हेलो स्टूडेंट्स आई एम विवेक भैया एच ओ डी मैथ्स विद्यांदर क्लासेज पीतमपुरा एंड टूडे आई एम टेकिंग योर रिविजन क्लास ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन राइट सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली ऐस कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं सो आज की इस रिविजन क्लास के अंदर विल we'll डिस्कस जो भी ऑलरेडी क्वेश्चन मीन्स में आ चुके हैं प्लस फ्यू फार्मूलेज जो आप लोगों को आई होप अच्छे से आते ही होंगे राइट सो चलिए लेट स्टार्ट विद द सेशन राइट द सी दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड जो मैंने आपके लिए बनाई है सी दिस स्लाइड्स के अंदर बेसिकली वट आई एम ट्राइंग टू शो इज द चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज वेटेज की बात हम कर रहे हैं ये टॉकिंग अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज सो देखिये इस चैप्टर वाइज वेटेज के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ देखिये इसमें ना मैंने आई ट्राई टू शो कि दो हज़ार बारह से लेकर के राइट दिस इज टू थाउजेंड ट्वेल्व से लेकर के जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक जो भी आपका लास्ट में इनका एग्जाम हुआ है राइट right? सो सी इन दिस जो भी अभी तक आपके एग्जाम्स हुए ना उसमें ऑन एन एवरेज आप देखेंगे ना तो इंटीग्रेशन के तीन तीन क्वेश्चन आए देखो इनिशियली बारह में तीन आए तेरह में तीन आए चौदह में तीन आए राइट एंड देन पंद्रह में दो आ रहे हैं राइट सोलह में एक ही आया है देन टू थाउजेंड सेवेंटीन में टू है एटीन में टू है नाइनटीन में अगर आप देखें ना तो हर पेपर के अंदर जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट टेंथ की नाइन्थ जनवरी मॉर्निंग टेंथ जनवरी मॉर्निंग इवनिंग 11th जनवरी मॉर्निंग इवनिंग में जो आपके जो 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 आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए ना वो देखो ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन आए हैं अब इसमें ना मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यार कि ये जो दो क्वेश्चन आए हैं ना ये दोनों के दोनों इनडेफिनेट के नहीं है दीज़ टू क्वेश्चन आर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रल के आए हैं दैट मीन्स आउट ऑफ अब तो पेपर ये पहले की ये तो 2019 में तो हम लोगों के जो भी क्वेश्चन आए थे दो क्वेश्चन उसमें एक डेफिनेट का था एक इनडेफिनेट का था राइट right? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे 25 फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आप ये देखो हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का आपका किससे आ रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आ रहा है राइट right. और आप देखोगे यार बाय द एंड ऑफ द क्लास ना जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जो मतलब जिसको सोचना बहुत मुश्किल है इट्स अ रिपीटेड रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग राइट तो एक ही एक दो ही कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं राइट right? तो वो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा राइट right? सो so एक बार हम क्विकली अन अदर टेन टेन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर एक बार हम सारे के सारे फार्मूलेज को एक बार ब्रशअप कर लेते हैं राइट सो लेट स्टार्ट विद द फॉर्मूलेज राइट सो लेट स्टार्ट विद दिस राइट तो सी दिस

अच्छे से मैं एक बार सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को राइट फाइन सो इट इज बेसिकली द एंटी डेरिवेटिव राइट और इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और वी आर फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन टू अस राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट राइट ये देखिए दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जीएक्स का अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास जीएक्स का डेरीवेटिव डीएक्स आ रहा है मतलब जीएक्स का मैं डेरीवेटिव ले रहा हूँ एंड हुवेटिव इज एफ एक्स राइट सो आई वॉन्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफेक्स राइट तो मैंने कहा इट्स अ रिवर्स प्रोसेस राइट इट्स अ रिवर्स प्रोसेस तो जीएक्स का डेरीवेटिव मेरे पास एफ एक्स आ रहा है तो बेटा मतलब रिवर्स प्रोसेस में एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा दैट विल बिकम जीएक्स राइट सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर ये तो आपको क्लियर भी है मैं सिर्फ एक बार क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं राइट नो दिसजेब्रा एलजेब्रा ऑफ योर इंटीग्रेशन की इफ वी हैव सम कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद सम एफ एक्स वी कैन टेक दैट कॉन्स्टेंट आउट राइट इफ यू हैव मल्टीपल टर्म्स जिसमें एफ वन एक्स एफ टू एक्स अप टू एफ एन एक्स जो है राइट प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड है सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटीग्रल वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटीग्रल राइट हम हर इंटीग्रल मतलब हर एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ एन एक्स के ऊपर इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वी वी नॉट सेइंग कि कैन डिस्ट्रीब्यूट इन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन राइट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं राइट नो कम टू द नेक्स्ट पॉट सो आई होप ये मैं थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूँ यार ये आप लोगों को आता होगा दिस इज द बेसिक टेबल राइट एक बार बेसिक टेबल है जस्ट टू रिवाइज द फॉर्मलेज दिस आर ऑल द बेसिक फॉर्मलेज फॉर योर एलजेब्रिक एंड एक्सपोनशियल फंक्शन राइट का इंटीग्रल टू दावर एन का इंटीग्रज एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन वन बाई एक्स लॉग मॉड एक्स टू दावर एक्स टू दी पॉवर एक्स ए रेस्ट टू दी पॉव एक्स ए रेस्ट टू दी पावर एक्स अपन लॉग ए राइट दिस इज अगेन द बेसिक ट्रिग्नोमे फॉर्मुलेज आ रहे दिस आर ऑल द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स का माइनस कॉसेक्स होता है राइट कॉसेक्स साइएक्स होता है सी कैन

तो इट जस्ट द रिवर्स प्रोसेस कि हमें टेन एक्स का डेरिवेटिव पता है दैट इज सीकेंड स्क्वेयर एक्स इसका मतलब सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा वो टेन एक्स प्लस सी जाएगा राइट सो दिस आर ऑल सम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूलेज हैं राइट तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूलेज हो गए नो कम टू द नेक्स्ट नो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस मॉडिफाइड फॉर्मुला इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड हाउ वी आर अपलाइंग दिस मॉडिफाइड फॉर्मुला वट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड फार्मूला देखो हमने पीछे अभी क्या बोला था पीछे हमने बोला था इंटीग्रल ऑफ ये लिखा है यह, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको ही देखिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सिग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज वॉट अगर मैं बोलता हूँ जी एक्स गिवन टू अस ये हमें गिवन है तो हम लोग बोल रहे हैं कि वट इज द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी राइट की मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये जो एक्स है ना बेटा इस एक्स को किसी लीनियर से रिप्लेस कर दिया किसी लीनियर से रिप्लेस कर दिया है वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द लीनियर दैट इज ए एक्स प्लस बी सो अब मैंने बोला इस एफ का इंटीग्रल क्या था स्मॉल एफ का इंटीग्रल क्या था बेटा जी था तो हम लोग बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी जी ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बस हम उसे डिवाइड कर देंगे बेटा किससे डिवाइड कर देंगे वी जस्ट डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स हम उसे कोफिशेंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे दैट इज द ओनली आइडिया राइट सो दैट इज योर मॉडिफाइड फॉर्मूला आई मस्ट से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला राइट सो यहाँ ये इसकी एक एप्लीकेशन के लिए मैंने कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूलेज आपको दे दिए कि दिस इज ए एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर एन इज सेम एज द इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन राइट इज सेम एज द एक्स रेस्ट टू दी पावर एन बस हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा इसको ए से डिवाइड कर देंगे उसी तरीके से रूट ऑफ सी दिस इज सिमिलर एज लाइक इंटीग्रल ऑफ

हम लोग अभी पे भी आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इंपॉर्टेंट पार्ट कि वॉट आर दीग्रेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं राइट right? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सबसे पहला मेथड आता है दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन दानर मेथड इज इटीग्रेशन बाई सब्स्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज द मीन एग्जाम इज कंसर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है देन बाई पार्ट है देन वी हैव पार्शल फ्रैक्शन देन वी हैव रैशनल एंड इर रैशनल इंटीग्रल्स देन वी हैव सम स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं हम लोगों के कुछ राइट देन वी हैव इंटीग्रेशन बाई यूजिंग डेरीवेटिव ऑफ द इंटीग्रेल कि अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रिकालना है किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करें उसमें डेरीवेटिव ही ले लेते हैं इंटीग्रल का ही डेरीवेटिव ले लेते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी राइट सो दैट इज ज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट आर द मेथड्स कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम किसी भी इंटीग्रल को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं राइट कम टू द नेक्स्ट पार्ट सो सी नो वी आर स्टार्टिंग विद जैसे हमने पहले की बात करी ना वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स ट्रांसफॉर्मेशन सो हियर वी आर स्टार्टिंग विदीग्रेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन राइट दीज आर ऑल द बेसिक रूल दीज आर द बेसिक रूल ये आपका बेटा बेसिक रूल है कि अब बेसिक रूल क्या कहता है कि हम लोग हर क्वेश्चन में यही तो कोशिश कर रहे हैं देखो ध्यान से देखो या तो मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखें या न्यूमरेटर को हम एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ डेरीवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर राइट या फिर अगर डिग्री ऑफ न्यूमेटर है अगर वो बड़ी आती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से देन वी हैव टू डिड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अगर हमारी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बढ़ी आती है देन वी हैव टू डिवाइड राइट अब ये देखो जैसे यह बेसिक सा क्वेश्चन आया था सबको

दिस इज सी एक्स प्लस डी दिस इज प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी देखो ये आ गया ई सिंप्लीफाई दिस तो दिख रहा है बेटा वेन आई सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है ए एक्स प्लस बी मिलने वाला है राइट तो आप खुद सोच के देखिए अगर मेरा ए बाई सी सी एक्स प्लस डी प्लस बीसी माइनस एडी को मैं यहां लिखूंगा तो मेरा जो डिनोमिनेटर वो किसके टर्म्सप्रेस हो गया न्यूबिनेटर की टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ राइट अब जैसे अगले वाला है देखिए अगले वाले आई अपलाई द सेम थिंग में एक्स प्लस बी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा सी एक्स प्लस डी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे राइट सो इफ आई एक्सप्रेस दिस तो ये देखिए इफ आई एक्सप्रेस दिस अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा हम ए बाई सी सी एक्स प्लस डी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी दिस होल इज डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी रेस्ट टू दावर एन इंटू में डी एक्स आ जाएगा राइट right. और अब मैं क्या बोलेंगे बेटा अब हम क्या बोलेंगे वी ड स्प्लिट अबाउट दिस प्लस तो बेटा अगर मैं प्लस के अबाउट स्प्लिट करूंगा तो दिस बाई दिस आएगा और दिस बाई दिस तो वट आई विल गेट इट हियर इट इज बेसिकली ए बाई सी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी रेस्ट टू द पावर कितना आ जाएगा ये एन माइनस वन हो जाएगा एक पावर से कट जाएगा आगे कितना आएगा बेटा वी हैव देन अगेन नेक्स्ट वी हैव इज बी सी माइनस ए डी अपॉन सी देन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी रेस्ट टू द पावर एन आ जाएगा तो देखो अब ये अपने आप में क्या बन गया बेटा एक मॉडिफाइड फॉर्मूला ये भी अपने आप में क्या बन गया एक मॉडिफाइड फॉर्मूला तो वही है ना इंटीग्रल हमारा देखो रिड्यूस हो गया राइट सो दैट इज द आइडिया द सेम केस वी कैन द सेम केस वी कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो राइट तो इसमें अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा हाउ वी एक्सप्रेस दिस देखिए सेम चीज अगेन मैं कोशिश वही सेम करूंगा कि आई ट्राई टू एक्सप्रेस दिस ए एक्स प्लस बी इन टर्म्स ऑफ वॉट सी एक्स प्लस डी टर्म्स में सो अगेन इफ आई ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इज ए बाई सी सी एक्स प्लस डी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी पावर एन इंटू में डी एक्स है तो यहां पर अब हम क्या करेंगे बेटा वट विल डू इन दिस केस इज वी मल्टीप्लाई दिस इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आप बताएं क्या मरेगा दिस इज ए बाई सी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी रेस्ट टू दी पावर एन प्लस वन प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी दिस इज इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी रेस टू दी पावर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा इफ यू नोटिस बट द मॉडिफाइड फॉर्मुला दिस इज ऑल्सो वट दिस इज ऑल्सो द मॉडिफाइड फॉर्मुला तो मॉडिफाइड फॉर्मूला so मतलब इंटीग्र सोल्व हो गया आपका राइट right? मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना होगा आपको बट मॉडिफाइड फॉर्मूला इट्स ए डायरेक्टली मॉडिफाइड फॉर्मूला राइट सो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया वॉट इज द आइडिया फॉर द इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन राइट

आइडिया तो इन सब केसेस के अंदर हमने डाला, so this is f x, dx is equal to, कितना आ जाएगा बेटा दिस इज डी टी फाइन सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला आपको पता है अब uh, बेटा ये ये भी एक काफी है, यूजिंग से ही आया, right?

माइनस कॉटेक्स राइट तो हम इससे हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो देखो फिर वही आएगा ये इससे मल्टीप्लाइड ये इससे मल्टीप्लाइज तो नीचे वाले को अगर मैं इस केस में क्या करूंगा बेटा फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा टी डालेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा डेरीवेटिव यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा दिस ऑल इज द डेरीवेटिव दिस ऑल इज द डेरीवेटिव राइट सो ये दोनों फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी ये दोनों की दोनों फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने एक टेबल की फॉर्म में बना दिया है राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्म दिस पर्टिकुलर फॉर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो यू हैव टू लर्न दिस टू फॉर्मल इज वेरी वेरी Important, dono ke dono formula. you have to learn these formulas, right? So that you can directly apply this, right? Now, come to the next part. देखो ये इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन आ जाती हैं आपको बेसिक आइडिया है ही बेटा कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क् आता है वी ऑलवेज ट्राई टू सब्सिट्यूट एक्स इक्वल टू ए टन थीटा और एक्स इज इक्ल टू ए दिस इज कॉट थीटा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के अंदर वी आर ट्राइंग टू सब्सिट्यूट ए साइन थीटा ए कॉ थीटा एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर में ए सेक थीटा और ए कॉ थीटा दीज आर ऑल द बेसिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा दीज आर ऑल द बेसिक सब्सिट्यूशन आई नो ये आपको याद होंगी अच्छे से राइट तो इट्स अ रिविजन क्लास तो मैंने एक जगह असेंबल कर दी है कुछ फॉर्मुल्स ताकि इन फ्यूचर अगर आपको क्लास रिवाइज करनी हो तो इमीजिएटली यू कैन जस्ट गो

तरीका क्या है देखो सिर्फ फोकस करो किस पे फोकस करो सिर्फ ए के ऊपर यहां अगर आप ध्यान से देखो इट इज माइनस अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज प्लस से आ रहा है तो याद रखने का तरीका क्या है अगर माइनस ए है तो वो ऊपर आ रहा है अगर प्लस ए है तो वो ऊपर निकल के आ रहा है इज दैट देखो कितना सिंपल है कि अगर मैंने बोला ए के आगे माइनस है तो अगर ए के आगे माइनस है वही ऊपर आएगा अगर ए के आगे प्लस है तो प्लस वाला ऊपर आएगा इट्स वेरी सिंपल टू लर्न राइट और ये वाला फार्मूला तो देखो वैसे ही आसान होता है ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां आ रहा है ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां रहा है ये प्लस एक्स और प्लस एक्स दोनों में कॉमन है एंड वी कैन डिराइव दिस फॉर्मुलाज यूजिंग दिस ऑल सब्स्टिट्यूशन ये आपने किया होगा ये वाला पार्ट आई एम श्योर ये वाला पार्ट आपने किया होगा राइट तो वो फॉर्मुला याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है कि वी हैव देखो ये थोड़े से थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो दोनों अलग हैं और ये दोनों फॉर्मूले याद करने का मैंने तरीका बताया कि अगर ए के आगे माइनस है तो ऊपर माइनस वाला आ रहा है बेटा अगर ए के आगे प्लस है तो ऊपर प्लस वाला आ रहा है दिस इज द सिंपल वे टू लर्न दिस और लिखने का तरीका वही है दिस इज वन बाई टू ए ये देखो ना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही आ रहा है लॉग लॉग सेम आ रहा है मॉडुलस मॉडुलस सेम आ रहा है अब ऊपर प्लस वाला आना है या माइनस वाला आना है दैट वी कैन डिसाइडेड यूजिंग द साइन ऑफ ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो ऊपर माइनस है ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है राइट सो दिस इज स्पेशल इंटीग्रल की दिस इज द फर्स्ट टेबल सिमिलरली वी हैव सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स अब देखो ये वाले फॉर्मुलस कई लोगों को याद ही नहीं होते हैं दे साइड की याद ये तो बहुत ज्यादा लेंदी फार्मूलेस हैं देखो कितने सिंपल है इनको याद रखना देखो x बाई टू एक्स बाई 2 एक्स ये तीनों के अंदर सेम आ रहा है फिर जो या, जिसका इंटीग्रेंट है वो एज इट इज आ रहा है देखो ये इसका इंटीग्रेंड है ये एज इट इज आ गया इसका इंटीग्रेंड है ये एज इट इज आ गया देखो ये पार्ट भी सेम है उसके बाद देखो क्या सेम आ रहा है ए स्क्वायर सेम आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू सेम आ रहा है ए स्क्वेयर बाई टू सेम आ रहा है राइट right? इज इट फाइन अब देखो अब लोगों को ना ये आगे का पार्ट याद नहीं रहता तो यार याद ही नहीं करना है इस आगे वाले पार्ट को क्या याद करना है इसको ऐसे सोच लो ना अगर मैं यहाँ डीएक्स दे देता इफ आई राइट तो इज द इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क् तो अभी याद किया हमने दैट इज डीएक्स अपॉन ये देखो डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स इज रूट ऑफ दिस इज डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ये देखो ये रहा सी दिस इज डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क् ना देखो ये ये दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे ना देखो ये तो जो इसका फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन दिस वही देखो यहां पे कैरी किया हुआ हमने आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना बेटा ये मैंने बोला दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र है एज्यूम दिस इज डी एक्स अपॉन दिस राइट इसका फार्मूला क्या होता है वो एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क् प्लस ए स्क्वायर होता है right? राइट तो जो ये वाला फॉर्मूला है यही फार्मूला तो एज इट इज कैरी किया है आपने यहाँ पे आइडिया इज दिस राइट तो वही सेम चीज रूट ऑफ एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वय को भी आप एज्यूम कर लो दिस इज डी एक्स अपॉन दिस आप इसको भी एज्यूम कर लो दिस इज डी एक्स अपॉन दिस तो वट एवर इज द इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपन एक्स स्वयर माइनस ए स्क्वेयर वही इंटीग्रल हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है राइट तो इट्स वेरी सिंपल वे टू लर्न दीज फार्मूलेज राइट बट यू हैव टू लर्न दीज फार्मूलेज बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट तो अगर ये फॉर्मलेज आपको याद रहेंगे तो आप इजीली यू कैन यू नो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्मलेज को और मेंस में तो यार ये इसी फार्मूले बेस्ड के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं तो ये टेबल तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए राइट चलिए नाउकम टू द नेक्स्ट पार्ट अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्यूशन आती है राइट सपोज इट इज दिस तो हमें दिख रहा है यार कि व्हाट इज द इंटीग्रल इफ आई पुट If I put x plus 1 by x is equal to t, right? So, what is the derivative of this? 1 minus 1 by x square into dx is equal to kitna jaga. dt a jaega, right? Now, in this case, again, if I put x minus वन by x is equal to t तो इट इज upon x square into dx is equal to कितना बेटा ये dt हो जाएगा तो ये सिंपल सी substitution है yes दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इस पार्ट के लिए यार मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा फंक्शन एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं which इज sine ऑफ sine x plus minus cos x एंड sine 2x मतलब एक ऐसे इंटीग्रेंट की बात कर रहे हैं जिस इंटीग्रेंट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है बेटा sine x plus minus cos x नजर आ रहा है और sin 2x नजर आ रहा है तो ऐसे के लिए बेटा हमारा रूल है कि अगर हम लोग बात करते हैं साइन एक्स प्लस कॉसेक्स है एफ ऑफ दिस एंड दिस इज एफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉसेक्स आ रहा है राइट right? तो रूल ये कहता है इसके ऑपोजिट साइन इसके ऑपोजिट साइन की बात कर रही है हम उसको सब्सिट्यूट करेंगे t, फिर हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे ये रूल है तो स्क्वेयरिंग करेंगे क्या मिलेगा बेटा वन माइनस दिख रहा है दिस इज वन माइनस साइन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्म वे से बेटा यहां पे व्हाट इज द ऑपोजिट साइन ज द ऑपोजिट साइन हियर दैट इज साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा राइट right? अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या बनेगा बेटा वन प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क् राइट और अब दिख रहा है बेटा इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स राइट इन टू डी एक्स राइट और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या आएगा बेटा दिस इज कॉस एक्स दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा तो ये हमारा रूल होता है राइट right? तो इसमें मैंने क्या समझाया बेटा आप लोगों को सिंपल से एक बात समझाई वेन एवर वी हैव साइन एक्स प्लस एक्स और साइन एक्स माइनस एक्स होता है तो इसके ऑपोजिट वाले साइन को हम लोग हमेशा टी सब्सिट्यूट करते हैं राइट right? और टी सब्सिट्यूट करने के बाद आपको स्क्वेयरिंग करनी है स्क्वेयरिंग करने के बाद वी ऑलवेज फाइंड साइन टू एक्स की वैल्यू एंड वी रिप्लेस राइट तो आइडिया इज दिस राइट तो देखो इसके ऊपर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन भी देख सकते हैं वी कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस राइट तो जैसे वी हैव सी दिस क्वेश्चन ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास राइट सो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अब हम क्या करें लेट्स क्विकली गो थ्रू वन और टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस राइट अब देखो इसमें क्या आ रहा है दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है ये देखिए टेक देखिएक्र कॉमन आई लेफ्ट विद वन प्लस वन बाई एक्सक्र अपॉन में नीचे से भी कितना कॉमन ले लेते हैं बेटा अब हम ऊपर अगर वन प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स आ रहा है तो अभी हमने पढ़ा वन प्लस एक्स स्क्र किसका डेरिवेटिव हो सकता है वन माइनस या वी कैन से दैट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स क्वल टू टी ये इसका डेरिवेटिव है तो नीचे हमें वही वाली फॉर्म चाहिए ना और ये वाला एक्स स्क् हटाना है तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ से भी एक्स को कॉमन ले लिया तो बाहर कितना आ जाएगा एक्स दिस विल बी एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर राइट तो से दिस विल बी कैंसल आउट राइट एंड इफ दिस विल बी कैंसल आउट तो क्या बनेगा हमारे पास दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस इज डी टी अपन टी स्क् Is it fine? And whenever we have dT upon t square, this is minus माइनस by t plus c. And what is x? एक्स क्योंकि ये देखो ना डेरीवेटिव इसका दिख रहा है दिस इज वन बाई एक्स स्क्वेर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया राइट right? तो ये हमने अभी तो फॉर्म पढ़ी थी वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स तो हमने उसको टी डाला बाहर डेरिवेटिव था मैं कहता हूं तो यहाँ पे वेयर व्हाट इज टी टी इज एक्स माइनस वन बाई एक्स ये हो जाएगा राइट नो वी वॉन्ट

थ्री था ना थ्री को मैंने ब्रेक कर दिया इनटू में टेन इन ऑफ एक्स प्लस राइट एंड इफ यू हैव दिस तो देखिए नो दिस अब इसमें क्या आ रहा है बेटा ये बाई एक्स स्क्स डिवाइड बाई वक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस वन देखो ये आ गया राइट एंड इंटू दिस इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया देखिए ये आ गया अब देखो अब आप खुद सोच के देखो किसी का डेरिवेटिव नजर आ रहा है किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है आपको लगेगा one one x का डेरिवेटिव नजर आ रहा है बट यार मैं बोल रहा हूं आप अगर इसी को पुट कर यार्ल बाई एक्स इज इक्वल टू टी पूरे कोई टी डाल दो ना वट डेरिवेटिव इट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर देखो ये आ गया इन टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज वन माइनस वन बाई एक्स स्क् इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये आ गया तो नहीं तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया देखो वट आई लेफ्ट विथ दिस इज डी टी अपन दिस इज नट टी राइट इज नॉग ऑफ टी प्लस सी ये आंसर हो जाएगा

राइट दिस इज प्लस कॉस एक्स दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा और अगर मैं बेटा इसकी स्क्यरिंग करूंगा तो दिस इज वन प्लस साइन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो वॉट इज द वैल्यू फॉर साइन टू एक्स दैट इज टी स्क्वायर माइनस वन ये वैल्यू आएगी तो हाउ दिस इंटीग्रल रिड्यूसिस टू देखो ये वाली चीज़ तो डी टी हो गई एंड डिवाइडेड बाई सेवन माइनस नाइन साइन टू एक्स येगा क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस वन एंड विच इज नथिंग बट द स्पेशल इंटीग्रल दिस इज डी टी अपॉन दिस इज सिक्सटीन माइनस नाइन टी स्क्र हो जाएगा राइट वी गेट इट दिस तो दिस आप इसको कर ही सकते हो दिस इज नथिंग बट द स्पेशल इंटीग्रल राइट ये आपका स्पेशल इंटीग्रल आ जाएगा ये हो जाएगा राइट कम टू द नेक्स्ट पार्ट अब देखो इसको सिम्प्लीफाई करना है पहले सेक एक्स को हटा लेते हैं सो दिस विल बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वन थोड़ा सा देखो थोड़ा सा है टिपिक थोड़ा सा है सोचना मुश्किल है थोड़ा सा अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ देखो आई आई जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू तो अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू किया सो दिस विल बी टू कॉसेक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू एक्स प्लस वन और देखो साइन टू एक्स की फील आ रही है तो अगर साइन टू एक्स की फील आ रही है वॉट आई कैन डू इन दिस केस इज आई राइट कॉसेक्स प्लस साइन एक्स राइट प्लस कॉसेक्स माइनस साइन एक्स आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा वट आई एम डूइंग ये मैंने टू कॉसेक्स को क्या लिख दिया कॉसेक्स प्लस कॉसेक्स लिख दिया राइट एंड देन साइन एक्स को एड एंड सब्ट कर दिया राइट आई जस्ट एड एंड सब्ट्रैक्ट दिस तो दिस इज टू एक्स प्लस वन राइट सो आई होप अब ये वाला पार्ट आप कर ही सकते हैं यार ये दो इंटीग्रल्स में रिड्यूस हो जाएगा वन इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू एक्स प्लस वन में डिवाइड हो गया तो बेटा अब आप ही सोच के देख लीजिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे बेटा वॉट वी विल डू इन दिस केस वी सिंपली टेक इसके ऑपोजिट साइन को दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स

वही सेम एज एज सेम एज द प्रीवियस द प्रीवियस वन हो जाएगा राइट सो दिस इज द ये जो मैंने दो particular, एक दो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्पेशल सब्सिट्यूशन की टाइप डिस्कस की है उससे रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन आपको ये कराए हैं सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू राइट नाउ नाउ क्विकली कम टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप्स हैं मैंने एक जगह सैंपल कर दी आपने सिर्फ रीड करना है दिस इज द टाइप वन वन ए स्क्वेर साइंस ए स्क्र ए साइंस स्क्वेयर एस बी कॉस्स है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वि जस्ट डिवाइड बाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस्वेर

बाई टू इन न्यूमिरेटर बाई वॉट सीक्ट स्क्वायर एक्स राइटेन वही सेम प्रीवियस ये दोनों की दोनों टाइप्स बिल्कुल टिपिकल टाइप्स हैं आई होप ये आपको आती होंगी अच्छे से राइट सो विल कम टू द नेक्स्ट टाइप देखो ये भी अपने आप में एक बिल्कुल टिपिकल सी टाइप है कि वी हैव दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वही सेम काम कर रहे हैं देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी ट्राई टू एक्सप्रेस न्यूमिरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर या वी ट्राई टू एक्सप्रेस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमिरेटर वही वाला सेम टास्क वी आर टू फॉलो नथिंग बट और हमने इसको किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया देखो इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्सप्रेस कर दिया और ये अपने आप में एक डिनोमिनेटर भी आ गया इट से डिनोमिनेटर तो वही हमने कोशिश करी है फिर तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटा दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे एम और एन की आई होप दिस पार्ट इज क्लियर राइट तो आप पढ़ के देख सकते हो देखो जब मैं इस पूरे के पूरे को एम और एन निकालूंगा कंपेयर करके कर रिप्लेस करूंगा इफ आई स्प्लिट अबाउट दिस इसके अबाउट स्प्लिट करूंगा तो दिख रहा है ना बेटा देखो इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया ये बाई ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा वन इंटू डी एक्स हो जाएगा सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग और ये अपने आप में क्या बनेगा बेटा ये तो लॉक का फॉर्मूला आ जाएगा सीधा ही राइट सो आइडिया इज दिस नाउ कम टू दिस इन दिस केस ये देखिए इसमें क्या आ रहा है ये देखिए इसमें क्या आएगा अब आपके पास इसमें थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा सी दिस इज नॉट दिस इज नॉट एन बट दिस इज योर एम ये आ रहा है राइट right? तो अगर ये वाली टाइप हम लोगों के पास आती है तो दिस इज आल्सो द वेरी सिंपल सी टाइप है यार इसमें मैंने सिंपली ये बताया ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं सी सपोज आई राइट दिस इज साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स राइट या इफ आई राइट समथिंग लाइक साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू मे कॉस रेज टू द पावर फाइव एक्स इंटू में डी एक्स राइट तो इट्स अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा तो so, अगर अब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं बेटा दिस इज साइन क्यूब एंड कॉस स्क्वायर है तो so, यहाँ मैंने क्या लिखा है पावर है एम और एन आर द पॉवर्स तो यहाँ हमने लिखा है कि अगर साइनिक्स की पावर ऑड है यू पुट कॉसिक्स इक्वस टू टी अगर कॉसिक्स की पावर ऑड है वी पुट साइनिक्स इक्व टू टी अगर दोनों की पावर ऑड है तो आप दोनों में से किसी को भी टी डाल लीजिए एंड बोथ आर इवन देन वी यूज हाफ एंगल फॉर्मुलेज तो हाफ एंगल फार्मूलेज क्या होते हैं बेटा वो ये वाले फार्मूलेज होते हैं दैट इज कॉस टू एक्स राइट आई होप आपको याद है सिर्फ मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ दिस इज कॉस टू एक्स साइन टू एक्स दिस इज साइन ऑफ थ्री एक्स का फॉर्मूला या कॉस ऑफ थ्री एक्स का फार्मूला लाइक दिस दीज आर ऑल द हाफ एंगल फार्मूलेज राइट सो वी सिंपली अप्लाई दीज फार्मूलेज राइट सो अब देखो इस केस में अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे किसकी पावर और नजर आ रही है साइन की तो हमें कॉश एक्स को टी डालना है राइट right? तो अगर हमें कॉस एक्स को टी डालना है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन एक्स राइट सो वी राइट इट लाइक साइन स्क्वायेर एक्स इंटू मे कॉस स्क्वायेर एक्स इंटू मे साइन एक्स और इंटू में डी एक्स और देखो क्वेश्चन खत्म right? दोनों ही पावर अगर आ रही है, तो आप किसी को भी टी डाल सकते हैं और अगर मैं किसी को भी टी डाल रहा हूं तो हम किस को टी डालूब पॉवर फोर एक्स इंटू में डीएक्स तो डीएक्स के साथ मैंने साइन लिया है तो पक्का कॉस को रिप्लेस करूंगा ना सिंपली रिप्लेस डीएक्स के साथ में ये सॉरी दिस इज नॉट साइन एक्स मैंने पावर फाइव को ब्रेक किया है सो दिस इज बेसिकली यर कॉस एक्स इंटू मै डीएक्स ये आ गया तो so, राइट right, अब कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है तो पक्का किसको टी पुट करूंगा साइन एक्स को सो आई राइट दिस इज साइन क्यूब एक्स दिस इज वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वायर इंटू मे कॉस एक्स इंटू में डी एक्स राइट सो आई होप इसको अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं बेटा सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ अब आप इसको पुट कर लेना कर लेना इसको यू वी सिंपली पुट साइन एक्स इक्वल टू टी सो दिस इज टी क्यूब दिस इज वन माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू में डी टी विच इज नथिंग बट एक सिंपल एक बेसिक फार्मूला आपका इसमें लग जाएगा दिस इज योर बेसिक फार्मूला राइट यू विल अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला इट्स अ अमिल फंक्शन मल्टीप्लाई करिए सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द इंटीग्रल राइट तो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप नाउ कम टू दिस सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंटें टाइप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मींस में एक दो बार आया भी हुआ है राइट तो इसमें हम कह रहे हैं कि साइन की पावर एम है कॉज की पावर है पर मैंने अब कंडीशन क्या दी है एम प्लस एन इज इक्ल टू वॉर नेगेटिव इवन इंटीजर है दिस इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर एंड इफ इट इज नेगेटिव इवन इंटीजर है तो आइदर वी पुट टेन एक्स इक्व टू टी और कॉटक्स इक्व टू टी तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको जल्दी से देखा है देखें हम सो दिस इज माइनस थ्री बाई टू एक्स इंटू में साइन रेज टू दी पावर माइनस फाइव बाई टू एक्स आ रहा है इन टू में डी आ रहा है राइट right? so अब आप मुझे जल्दी से बताओ दिस इज बिहेविंग एज वॉट दिस इज बिहेविंग एज एम दिस इज बिहेविंग एज एन तो कैन यू टेल मी वॉट इज एम प्लस एन विच इज माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू विच इज वॉट दिस इज माइनस ऑफ कितना आएगा फोर आएगा एंड माइनस फोर मतलब ये क्या नंबर है इट्स अ नेगेटिव इवन इंटीजर राइट right. तो ये पक्का है कि हम इसमें कौन सी फॉर्म बनाएंगे या तो टेन एक्स इक्व टू टी डालेंगे या कॉस एक्स तो अगर मैं मान लो टेन एक्स इक्वस टू टी की बात करता हूँ तो आप बताओ बेटा यहाँ अगर मुझे टेन एक्स बनाना है तो आई सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो आप कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है दिस इज टेन ऑफ माइनस फाइव बाई टू एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस थ्री बाई टू एक्स आया ही हुआ है आपके पास इंटू अब बेटा टेन के लिए आपने यहाँ से कॉस को मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा ना कॉस को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस्ट की क्या पावर आ जाएगी दिस विल बी कॉस ऑफ कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा देखो अगर आप इस integral को देखेंगे अब ना दोनों की पावर एड हो रही है सो दिस विल बी सीकेंड फोर एक्स अपॉन में टेन रेज टू दावर फाइव बाई टू एक्स ये आ जाएगा राइट right? क्योंकि बेटा इन दोनों को बेस सेमे पावर ऐड करोगे माइनस फोर आएगा तो अपऑन में जाएगा विच आई कैन राइट एस दिस इंटू डी एक्स और देखो इसको अब मैं ब्रेक कर सकता हूँ दिस इज बेसिकली वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायेर एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज टेन रेज टू द पावर फाइव बाई टू एक्स इंटू मे डी एक्स और अब आप पुट कर लीजिए पुट टेन एक्स इक्वल टू टी राइट right? तो अब तो ये सिंप्लीफाई जाएगा आपके पास राइट सो सिंपल कैटेगरी बस आपको तो फॉर्म बनाएंगे अब जैसे अब आप अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते देखिए दिस आई कैन राइट एज कॉस रेस टू दी पावर थ्री बाई टू एक्स इंटू साइन रेस टू दी पावर माइनस इलेवन बाई टू एक्स इंटू मे डी एक्स राइट सो नाउ वट इज दिस दिस इज माइनस इलेवन बाई टू प्लस थ्री बाई टू विच इज़ माइनस एट अगेन देखो नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है नेगेटिव इवन इंटीजर

राइट right. भैया आप खुद सोचो ना कॉट बनाना है कॉस ऑलरेडी है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा ना मैंने तो अगर मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया it, है गेट इट दिस सिंपल सा लॉजिक है राइट सो अब आप देख लीजिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थ्री बाई टू एक्स इंटू दिस इज कॉसेक रेस टू दी पावर एट आ जाएगा इंटू में सो दिस यू कैन राइट एज कॉट रेस टू दी पावर थ्री बाई टू दिस इज कॉसेक सिक्स इंटू मे कॉस एक्स स्क्स इंटू में डी एक्स अब तो यार ही सकते हैं डी एक्स और अब आप पुट कर दीजिए किसको पुट करेंगे बेटा यू कैन सिंपली पुट योर कॉट एक्स इक्वल टू टी सो दिस आई यू कैन सोल्व इट राइट सो आई होप दिस टाइप इज ऑल्सो क्लियर टू यू राइट आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो क्लियर राइट तो इसमें भी देखो अब वही वाला रूल आ रहा है कि यहाँ पर भी हमने चेक किया था ये आ रहा था यहाँ पर भी हमने चेक किया तो ये आ रहा है तो वी गेट डाउन मतलब अब आप इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं सिंपल एक पॉलिनॉमल फंक्शन आ जाएगा चलिए जी ना उसी बाई पार्ट्स इज एवरीबडी क्लियर टू यू दिस इज वेरी सिंपल और इसमें हम लोग फर्स्ट एंड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा वी सिंपली फॉलो आई लेट राइट जिस आई मतलब इन वर्स है L matlab logarithmic, A matlab we have algebraic, T matlab we have trigonometric, and this E matlab we have exponential, and all this goes into the decreasing order, right? So that's you, you have done it. राइट अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है तो यार पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहली चीज यूज कब होता है ये जनरली तब यूज होता है वी हैव डिग्री ऑफ इज बेसिकली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये होता है अब आप चेक कर लो ना देखो इसके अंदर डिग्री वन आ रही है ये देखिए इसके अंदर डिग्री वन है इसके नीचे डिग्री टू आ रही है राइट तो दिस इज वन बाई टू आ रही है वन बाई टू आ रही है दिस इज ऑल्सो वन टू दिस इज वन टू और यू कैन राइट दिस इज टू एंड थ्री दिस इज ऑल्सो टू एंड थ्री आ रही है राइट सो दिस इज अ क्विक टेबल एक टेबल है जिससे आप क्विकली यू कैन गो थ्रू योर पार्शल फ्रैक्शन दैट

राइट right, तो पक्का इसका डी लेस देन जीरो होगा तो उस केस में हम लोग इस तरीके से इसको लेट करते हैं तो आई होप पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी एक सफिशियंट प्रैक्टिस है राइट सो नाउ कम टू द नेक्स्ट अब देखो ये रैशनल इर रैशनल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो देखो इसमें ना पहली टाइप लेते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म है जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अब इसमें आई होप आप इसको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ निरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटरी बात मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वी हैव टू डिवाइड और बेटा अब आप खुद देखो अगर मैंने डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा दिस इज नथिंग बट द पार्शल फ्रैक्शन लग जाएगा ना यहाँ पे दिस व्हाट इज़ दिस अब इसमें क्या आएगा अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पक्का आएगा कि आपकी जो डिग्री इसके अंदर क्या हो रहा होगा बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो पक्का लेस होगी किससे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस होगी तो इसका अलावा इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी मैं फिर क्या लगा सकता हूँ आई कैन अप्लाई पार्शल राइट तो यही रूल होता है कि अगर हम एफ एक्स बाई जी एक्स की बात कर रहे हैं और हमें ऊपर की डिग्री बड़ी नजर आ रही है नीचे की छोटी नजर आ रही है वी सिंपली डिवाइड डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन प्लस ये हमारे पास मिल जाता है एंड इफ यू गेट इट दिस अगर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है तो बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूनेटर जो है लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन अप्लाई पार्शल और अगर हमारे पास सीधा ही हमें ये नजर आ रहा है तो फिर तो हमें क्लियर ही है कि हमें क्या लगाना है बेटा पार्शल लगाना है ये आप लोगों को आइडिया है ही अच्छे से राइट तो दिस इज योर रैशनल इंटरशनल की टाइप वन नो कम टू योर टाइप टू टाइप टू में हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा

कि टाइप टू में क्या आता है अगर हम बोलते हैं ऊपर लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है सो दिस इज बेसिक रूल की वी ट्राई टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज वॉट लेमडर टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस म्यू ये आपको क्लियरली आइडिया है ये इसका राइट नाउ कम टू योर टाइप थ्री टाइप थ्री क्या है डी एक्स अपन रूट क्यू टू एक्स तो रूट क्यू टू एक्स में बेटा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हम लोगों को हम पहले वी मेक द परफेक्ट स्क्वायर एंड देन वी यूज द स्पेशल इंटीग्रल क्यों स्पेशल इंटीग्रल क्योंकि बेटा ये फिर ना इस फॉर्म पे रिड्यूस हो जाएंगे डी एक् अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स का रूट ये फॉर्मुलेज कोई भी तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा राइट एंड वेन एवर वी हैव ऊपर लीनियर फैक्टर आता है वेन एवर वी हैव ऊपर एक लीनियर फैक्टर आ रहा है सो वट वी डू अगेन द सेम थिंग डिमिनेटर इज इक्वल टू टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू आ जाएगा राइट कम टू नेक्स्ट टाइप दिस इज रूट क्यू टू एक्स अगेन द सेम थिंग यू कैन क्विकली गो थ्रू वी मेक द परफेक्ट स्क्वायर एंड देन स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला राइट जो हम पहले पढ़ चुके हैं एंड इफ यू हैव लीनियर रूट क्वालिटी का आता है सो वी सिंपली डू लाइक दिस ये सिंपल सा लॉजिक है तो अगेन वी वही सेम चीज आ रही है बेटा कि वी 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 रिप्लेस व्हाट इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू राइट ये वाली टाइप्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है राइट नाउ दिस इज योर टाइप फाइव दिस इज लीनियर रूट लीनियर तो लीनियर रूट लीनियर में सिंपली लीनियर इज इक्वल टू टी और राइट और अगर लीनियर इज इक्वल टू टी है तो वी कैन राइट ए एक्स और यू कैन से दैट दिस इज सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू टी स्क्वेयेर हो जाएगा राइट right? तो अब आप इसको सोल्व कर लें मतलब सिंपली रिप्लेस करना है वही सेम चीज़ यहाँ पर आप देखो ये क्या फॉर्म आ रही है दिस इज लीयियर अपॉन लीनियर रूट लीनियर आ रहा है तो अगेन वही ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है तो यू कैन रिप्लेस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए बाई सी सी एक्स प्लस डी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी राइट अब आप सोच के देखो अगर मैंने इससे रिप्लेस किया और डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है बेटा सी एक्स प्लस डी इंटू रूट लीनियर आ रहा है तो बेटा जब मैं इसके अबाउट ब्रेक करूँगा तो आपको दिखी रहा होगा दिस इज ए बाई सी इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट लीनियर हो जाएगा प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बेटा ये सी एक्स प्लस डी इंटू में रूट लीनियर राइट right. ये अपने आप में क्या है बेटा एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है और ये ये ध्यान से देखो व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस ये क्या है ये तो कुछ नहीं है यार ये तो आपका 5.1 ही तो है ये 5.1 ऊपर वाली तो टाइप आ गई लीनियर रूट लीनियर वाली वही वाली टाइप आ गई ये तो राइट right? सो so इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कम टू नेक्स्ट दैट इज क्वाड्रेटिक रूट लीनियर अगेन द सेम थिंग वी सिंपली रिप्लेस रूट लीनियर इक्वल्स टू टी वेन वी हैव लीनियर क्वाड्रेटिक रूट लीनियर सो अगेन वी टेक लीनियर इक्वल्स टू रूट लीनियर इक्वल्स टू टी हम रिप्लेस कर देंगे इसमें राइट दट इज आइडिया नो कम टू नेक्स्ट टाइप दिस इज लीनियर रूट क्वाड्रेटिक सो वी सिंपली टेक लीनियर इक्वल्स टू व्हाट वन बाय टी वी टेक लीनियर इक्वल्स टू वन बाय टी एंड सिमिलरली वी हैव ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अब ये क्या टाइप right? है लीनियर लीनियर रूट क्वारटिक राइट दिस इज लीनियर लीनियर रूट क्वारटिक वाली टाइप आ रही है राइट सो वेन एवर वी हैव समथिंग लाइक दिस तो अगेन वी एक्सप्रेस ए एक्स प्लस बी इन टर्मस ऑफ वॉट सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे राइट नो वी हैव कॉर्डर में वी सिंपली टेक एक्स इक्व टू वॉट वन बाई टी तो ये मैंने ना बहुत क्विकली आपको गो थ्रू कराया यार बिकॉज ना आपको इनकी प्रैक्टिस है ये तो जस्ट एक जगह मैंने सारी की सारी थ्योरी को असेंबल करने की कोशिश करिए सो दैट इन फ्यूचर इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज जिस गो थ्रू दिस द क्लास एंड यू विल डेफिनेटली आप इसको uh, 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 सारी के सारे बेसिक फॉर्मुलेज एंड बेसिक टाइप्स को आप रिवाइज कर पाएंगे क्विकली राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज टाइप नाइन ये देखो ये अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बट आई मस् से कि यार ये थोड़ा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? बट एक बार देख लेते हैं टाइप है तो एक बार देख लेते हैं अब इसमें देखो दिस इज योर पी सो इफ यू नोटिस द दिस इज योर पी ये देखो ये आपका पी आ रहा है दिस इज योर पी तो इसके ऊपर केसेस हैं पी बिलोंग्स टू नेचुरल पी बिलोंग्स टू इंटीजर पी बिलोंग्स टू फ्रैक्शन प्लस दिस एंड पी बिलोंग्स टू फ्रैक्शन प्लस दिस राइट तो हमने इस टाइप की कुछ 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 सब्सिटूशन यहाँ पे देनी होती है आइडिया इज दिस राइट सो आई होप ये वाली टेबल आपको क्लियर है तो एकदम से आपने ये अप्रोच मैंने इस तरीके से लिख दिया है सो दैट इजीली यू कैन गो थ्रू ऑल दीज टाइप्स राइट तो ये आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत सिंपल सी टाइप्स हैं बस हाँ ये सारी के सारी कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेंगी बेटा यहाँ पे यू हैव टू चेक ऑल दीज कंडीशन राइट ये कंडीशन आपको यहाँ पे चेक जरूर करनी पड़ेगी राइट right? सो so अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं राइट right? तो so जैसे अब ये वाला चीज़ अगर आप देखोगे इसमें क्या नज़र आ रहा है बेटा इसमें नोटिस करिए वॉट इज योर पी पी हियर इज टू तो अगर हमने क्या बोला है पी बिलोंग्स टू इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू वॉट नेचुरल ये इंटीजर भी हो सकता है पर मैंने यहाँ क्या लिखा है अभी नेचुरल लिखा है तो अगर नेचुरल है हाउ आई डू दिस दिस इज वन बाई थ्री राइट वी सिंपली वॉट एक्सपैंड कर देते हैं दिस इज नाइन प्लस रेज टू दावर टू बाई थ्री प्लस टू इन एक्स रेज टू द पावर वन बाई थ्री इन में वॉट डी ए ये तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको आपस में सो वेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट इट एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा दैट यू कैन डू इट राइट तो इट्स अ वेरी दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें हमने बोला ओवर पी बिलोंग्स टू कितना आ रहा है बेटा नेचुरल हो रहा है ये आ रहा है इज इट फाइन राइट वो कम टू द नेक्स्ट टाइप इसको जल्दी से चेक करिए देखिए अगर मैं इसको चेक करूँ तो आप जल्दी से बताओ वॉट इज पी हीयर इज पी हीयर इज माइनस वन एंड दैट माइनस वन इज नथिंग बट इंटीजर ट तो बेटा इंटीजर के लिए मैंने क्या बताया इफ वी हैव पी बिलोंग्स टू आई व्हाट वी नीड टू डू वी हैव टू पुट एक्स इक्वल टू टी रेस टू दी पावर के, के इज़ व्हाट एलसीएम ऑफ ऑफ़ एम एन एन सी दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एन ये आ रहा है राइट तो यहाँ पे देखो

तो ये तो हमें आता ही है दैट इज नथिंग बट वन बाई थ्री टेन इन ऑफ कितना टी प्लस सी ये आंसर हो जाएगा इज इट फाइन दिस पार्ट राइट सो दैट इज द सिंपल थिंग नॉट अ डिफिकल्ट थिंग अब इसको देख लीजिए वॉट इज पी हियर इज पी हियर इज हाफ हाफ मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है बेटा एक फ्रैक्शन को बिलोंग कर रहा है दिस इज योर फ्रैक्शन है और अगर ये फ्रैक्शन आ रहा है तो बेटा इसमें हमें कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी वी नीड टू चेक द कंडीशन दैट इज ये देखो ना इसमें कंडीशन थी अगर ए पी बिलोंग्स टू फ्रैक्शन है देन व्हाट इज एम प्लस वन अपॉन एन सो दैट इज नथिंग बट दिस इज एम प्लस वन अपॉन एन तो इसको चेक कर लेते हैं इसको चेक अगर हम करेंगे दिस विल बी माइनस टू बाई थ्री दिस इज प्लस वन डिवाइड बाई दिस इज वन बाई थ्री देट विल गिवज यू वॉट वन तो, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे x to, t कितना? T कितना लिखा है तो right? तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बेटा इसका तो क्या आएगा दिस विल बी नथिंग बट वन बाई थ्री एक्स रेस्ट टू दावर माइनस टू बाई थ्री इन टू डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी देखो ये आ गया सो हाउ दिस इंटीग्रल रिड्यूस टू अभी ये देखो दिस इज एक्स रेस्ट टू दू बाई थ्री एंड डी एक्स इज नथिंग बट टू टी डी टी राइट और बेटा इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है सिम्पली टी स्क् दिस इज टी ओनली राइट देखो कितना सिंपली इंटीग्रल बन गया दिस इज टू टी स्क्टीग्रल इज वाट दिस इज टी क्यू बाई थ्री इंटू टू प्लस सी ये आंसर होगा हाँ टी को डेफिनेटली रिप्लेस करना पड़ेगा वेयर टी इज इक्वल टू वाट वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर वन बाई थ्री ये आ जाएगा राइट फाइन वेलकम टू द नेक्स्ट टाइम

right so what is this dx upon x cube what is dx upon x cube the so what will be the integral this integral become minus 1 by 2 this is dt upon root t right and whose integral is what this is minus 1 by 2 into t raised to the power half upon half plus c right yeah right so my ultimate answer is what root of t plus c with minus sign एन वॉट इज टी हेयर इज टी हेयर इज बेसिकली वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये हमारा टी हो जाएगा बस राइट नो कम टू नेक्स्ट अगेन देखो सेम पावर है दिस इज अगेन द ए रैशनल तो हमें एक्स रेस्ट टू द पावर एन को बाहर लेना है तो इफ आई टेक एक्स रेस टू दी पावर एन बाहर सो दिस इज डी एक्स अपॉन ये कितना आ जाए बटा एक्स रेस टू दी पावर एन है एन से एन हो रहा है एन माइनस वन तो दिस विल भी एन प्लस वन आई होप यह कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी आई होप यू आर गेटिंग दिस कैलकुलेशन राइट तो दिस विल बी एन प्लस वन एंड दिस इज नथिंग बट वन प्लस वन अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर एन एन माइनस वन अपॉन एन ये आ जाएगा राइट अगेन इसको कर लेना बस अब आप आप पुट कर दीजिए वन प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन को टी डाल दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स रेस्ट टू सो दिस इंटीग्रल इज माइनस वन अपॉन एन डी टी n तो दैट यू कैन डू इट योर ओन राइट जस्ट डू राइट सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन आप कर सकते हैं तो पर ये ध्यान दो दीज आर ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट इरेशनल फैक्टर्स तो इरेशनल फैक्टर में जो भी इरेशनल फैक्टर होता है जो भी इरेशनल पावर होती है उसमें से हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं सेम रूल वी आर अपलाइंग राइट कम टू दिस देखिए हिमस से ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन अपने आप में व्हाट आई विल डू इन दिस केस इज न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं बेटा वी टेक एक्स स्क्र कॉमन सो आई लेफ्ट विद एक्स स्क्वायेयर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायेर इंटू मे डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे रिले फैक्टर क्या नजर आ रहा है फोर पर मैं हाइएस्ट पावर नहीं ले रहा हूँ ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा आई विल डू इन दिस केस आई सिंपली टेक यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं बेटा यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं कितना एक्स फोर प्लस एक्सक्वायर प्लस ये तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायेर को कॉमन लेते हैं अगर मैं एक्सक्वायर को कॉमन लेता हूँ दिस विल बी वॉट

तो कितना बचेगा यहाँ पे एक ही एक्स बचेगा ना सिर्फ और उस एक्स को उठा के मैं देखो इसके और इसके नीचे फिट करता हूं इफ आई फिट इट तो ये क्या बनेगा दिस इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इन टू में डी एक्स अपॉन रूट ऑफ दिसर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्स वन राइट और ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब राइट सो वॉट यू नीड टू डू इन दिस केस यू हैव टू पुट आपको क्या पुट करना है बेटा सिंपली यू नीड टू पुट एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्स इक्वल टू टी ये पुट करना राइट right? ये आपको पुट करना होगा इसमें राइट सो जैसे ही अब आप इसको टी पुट करते हैं तो हाउ विल यू सॉल्व दिस कैसे सॉल्व करेंगे बेटा अब आप इसे इसका डेरिवेटिव ले लीजिए सी दिस इज टू एक्स माइनस फोर बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये देखो ये तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस दिस इज एक्स माइनस दिस विल बी टू अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस इज वन बाई टू इंटू डी टी ये देखो ये आ गया अब ये देखो ना ये ये तो पूरा का पूरा यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है ना बेटा ये अगर मैं इसको इसको मैं ऐसे में ये 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 तो तो ये वाला factor ये पूरा का पूरा present है ना बटा यहाँ प्रेजेंट अगर ये यहाँ सारा का सारा प्रेजेंट है सो हाउ आई राइट दिस इंटीग्रल दिस इज नी टी अपॉन रूट टी राइट एंड दिस इज हाफ टाइम्स तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व दिस एंड गेट दिस राइट तो ये देखो सिंपल है तो वही है कि हम लोग इनको कैसे हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस तो सिंपल सी टाइप है अब ये वाली टाइप है देखो ये वाली टाइप अगेन यू कैन डू इट योर ओन हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है इफ़ यू टेक हाईएस्ट पावर कॉमन दिस इज एक्स वन माइनस इफ़ यू टेक एक्स क्यूब कॉमन तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से यू विल गेट इट वन बाई एक्सक्र माइनस दिस विल बी वन की पावर वन बाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई एक्स फोर है सो so, देखो ये से उड़ेगा ये थ्री आ जाएगा सो दिस इज वन बाई एक्स स्क्वायेयर माइनस वन की पावर वन बाई थ्री अपॉन दिस इज एक्स क्यूब ये आ रहा है राइट तो इन दिस केस तो अगेन यार ये सिंपल है आपने पुट करना है बस कितना वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी राइट अगेन ये पर्टिकुलर टाइप अपने आप में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टाइप है इसको देख लेते हैं हाउ वी डू दिस देखो इसको लिखने का एक तरीका है आई टेक एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स की पावर माइनस एट प्लस टू एक्स की पावर माइनस दिस इज वन बाई टेन इंटू डी एक्स ये आ रहा है सो हाउ आई राइट दिस सी दिस इज एक्स प्लस वन एक्स वेज टू पावर टेन की होल पावर वन बाई टेन मैंने ऐसे लिखा इसको एनसी दिस इज वॉट एक्स रेस टू दावर माइनस एट प्लस टू एक्स रेस टू दी पावर माइनस नाइन की पावर वन बाई टेन इंटू मे डी एक्स ये देखो ये टाइप आ रही है राइट right. अब देखिए मैं क्या करूंगा इसमें आई ट्राई टू कम्बाइन दिस विद दिस ये देखिए नो आई ट्राई टू कम्बाइन दिस विद दिस मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं तो अगर मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं तो आप देखो क्या बनेगा दिस अगर मैं बेटा इसको अंदर लेके जाऊंगा दिस विल बी एक्स स्क्स टू इंटू मे एक्स की पावर वन बाई टेन मतलब मैंने यहां से देखो इंटरेस्टिंग है इसमें से मैंने X निकाला और इसके साथ क्लब कर दिया दिस इज द रूल आई एम कि मैंने यहां से एक X लिया है है और उसको इसके साथ क्लब किया है. तो ये देख लो अगर इशनल फैक्टर इस तरीके से आ रहा है तो मैंने यहां से एक्स निकाला और इसके साथ क्लब कर दिया सो वट एल गेट इट हियर इज दिस विल बी अब तो ये सिंपल ही हो गया ना देखो क्वेश्चन अब तो ये सिंपल है क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है एक्स स्क्स टू एक्स येगा कितना डालना है टी सो दिस इंप्लाइज दिस इज एक्स प्लस

देखिये ये ये दिस इज ऑल्सो द वेरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप है एक ये क्या टाइप है बेटा सी दिस टाइप इज नथिंग बट सिंपल सी टाइप है इफ आई हैव इंटीग्रल ऑफ एल वन एक्स की पावर एम एंड दिस इज एल टू एक्स की होल पावर एन इनटू में डी एक्स है एंड इफ एम प्लस एन इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर राइट अगेन वी ट्राई टू पुट एल वन एक्स अपॉन एल टू एक्स टू टी और एल टू एक्स अपॉन एल वन एक्स इक्व टू टी ये हमारी सब्सिशन लगेगी तो यहाँ पे देखो ना चेक कर लेते हैं ना हम इसको दिस इज समीनियर फैक्टर दिस इज समीनियर फैक्टर दिस इज समीनियर फैक्टर की पावर एम प्लस है और दोनों का सम क्या आ रहा है एक नेगेटिव इंटीजियर आ रहा है राइट तो आप देखो इसको हम चेक कर लेते हैं इफ आई चेक इट तो आप बताओ ये कितना बनेगा दिस विल भी एक्स प्लस वन रेस टू दॉर माइनस थ्री बाई फोर एंड एक्स प्लस टू रेस टू दावर माइनस फाइव बाई फोर देखो ये आ रहा है So तो पावर तो right? तो कितना पावर फाइव बाई फोर तो ऑलरेडी था एक फैक्टर ये डिनोमिनेटर की वजह से आएगा दिस विल बी कितना दिस इज थ्री बाई फोर देखो ये आ गया सो हाउ आई राइट दिस इंटीग्रल तो दिस इंटीग्रल यू कैन राइट इट लाइक डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू रेस टू द पावर थ्री बाई फोर इंटू एक्स प्लस टू की पावर कितना टू आ जाएगा ये आ जाएगा और बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन अब आप पुट कर दीजिए आप क्या पुट करेंगे देखिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की पावर टी की पावर फोर पुट कर दो सिंपल है सो इसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो यू विल गेट इट समथिंग लाइक डी अपॉन दिस विल बी डी अपॉन दिस विल बी थ्री डी अपॉन राइट इसका डेरिवेटिव ले लेना दैट विल बी थ्री डी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा राइट एंड दैट इज इक्वल टू फोर टी क्यूब ये आ गया राइट right? ये आ जाएगा आपके पास आई होप दिस पार्ट इज क्लियर सो हाउ यू राइट दिस अब देखो ना की जगह क्या रिप्लेस किया आपने टी क्यूब तो t t आ जाएगा ये राइट इन टू में ये तो डेरिवेटिव के साथ यूज हो चुका है तो देखो ये ये से ये भी उड़ गया और एक ये बाई थ्री और आ रहा होगा दिस विल बी लाइक दिस इज इंटीग्रल वन बाई थ्री राइट सो दिस इज योर इंटीग्रल तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बचा यार आपके पास सिंपली बचा फोर बाई थ्री इंटीग्रल वन इंटू डी टी टी इज वॉट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू ये आपका टी है दिस इज योर टी राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स यार जितनी टाइप्स मैंने आज की क्लास में डिस्कस करी है स्पेशली जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं ऑल दोज टाइप्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो ना कम टू द नेक्स्ट ये देखिए ये एक स्पेशल इंटीग्रल होता है बेटा ये सिंपल सी टाइप होती है ये आपने पढ़ी होगी दट इज क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक टाइप होती है राइट right? तो इसमें में वी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर देन वी पुट लाइक दिस एंड लाइक दिस राइट नो कम टू दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये देखो इसमें अब मैं क्या बोल रहा हूँ सपोज आई विल टेक जी डैश एक्स मैंने बोला एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी दैट इज नथिंग बट एफ इंटू जी का डैश तो ये कितने के बराबर आ गया एफ जी आ गया तो अब मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूं एक इसमें ना डिफरेंट स्टाइल से करा रहा हूं कि मैं यहां एफ और जी की हम वैल्यू रिप्लेस करते रहते हैं सपोज एल टेक जी एक्स इक्व टू टी तो बेटा वट इज जी डैश एक्स दैट इज वन सपोज एल टेक जी एक्स इज इज वट इज जी डैश एक्स ई रेस्ट टू दी पावर एक्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ये देखो ये तो दिस इज जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एच एक्स तो अगर जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एच एक्स आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पे वट वी कैन डू इन दिस केस इज वी सिंपली टेक द डेरिवेटिव जी डै एक्स वट इज दैट ई रेस टू द पावर एच डैश एक्स इन टू एच एक्स इन टू एच एक्स आ जाएगा ये आ जाएगा राइट इन टू एच एक्स हो जाएगा ये दिस इज ई रेस्ट टू दावर एच एक्स इंटू में एच डैश एक्स तो बेटा यहां पर देखो ना यहां पर फॉर्म क्या बनी यू विल गेट इट वट विल बी योर आंसर योर आंसर विल बी एफ इंटू में कितना आएगा ये एक्स प्लस सी राइट तो यहां पर अकॉर्डिंगली ये टाइप क्या बनेगी दिस इज ई रेस टू दावर एक्स इंटू एफ प्लस ई रेस टू दावर एक्स इंटू में एफ डैश ये देखो ये आ गया इंटू में डी एक्स का इंटीग्रल सो हाउ यू राइट दिस यू सिंपली राइट एफ इंटू रेस्ट टू दी पावर एक्स प्लस देखी भी होगी दूसरे तरीके से कराई उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा तो इंटीग्रल क्या होगा बेटा एफ इंटू रेस्ट टू दी पावर एच एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस दिस इज एफ डैश इंटू रेस्ट टू दावर एच एक्स दिस

दैट विल बी एफ एक्स आ जाएगा प्लस सी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है राइट और बेटा इसके अंदर याद करने वाली बात क्या है देखो ये x नहीं है x की e रेस्ट टू पावर x था ना मैंने इस x को किसी फंक्शन से रिप्लेस किया है तो याद क्या करना है ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है f से मल्टीप्लाइड है और उस f का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है मतलब इस f का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है देखो ये आ रहा है तो so, जब भी ये होगा वी कैन डायरेक्टली यूज दिस जैसे हम इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी अब देखिए जैसे ये वाली टाइप है तो ये तो दिख ही रहा है यार सिंपली यू कैन राइट ई रेस टू द पावर एक्स वन बाई एक्स प्लस कितना आएगा ये माइनस वन बाई एक्स स्क्वायेर इंटू में डी एक्स तो ये कौन से वाली टाइप हो गई बेटा ये तो अगर आप ध्यान से देखें ये तो केस टू हो गया ना हमारा ये तो है हमारा केस टू ई रेस टू पावर एक्स एफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश राइट सो दिस इज ओवर केस टू ये केस टू है दिस इज ओवर केस टू तो केस टू है तो वट विल बी द आंसर ई रेस टू दी पावर एक्स इन वन बाई एक्स माइनस के साथ प्लस सी ये आंसर हो जाएगा वट अबाउट नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट वाला कौन सा केस है ध्यान से देखो ये थर्ड केस आ रहा है और अगर ये थर्ड केस आ रहा है तो थर्ड केस के लिए मैंने आपको क्या बताया थर्ड केस के लिए मैंने बताया एक्स प्लस वन बाई एक्स बेटा इसका डेरिवेटिव ना यहां जनरेट करो ट्राई टू जनरेट डेडिवेटिव एच डैश एक्स क्योंकि मैं इसको अगर एच एच एक्स मानता हूँ तो एच डैश एक्स को यहाँ लेके आना है और वो दिख रहा है बेटा कैसे आ सकता है दैट यू कैन जनरेट हाउ यू विल जनरेट दैट दैट इज सिंपली वन प्लस यू टेक एक्स कॉमन दिस इज वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर देखो ये आ गया इंटू में डी एक्स और देखो आंसर आ गया ये देखो ये आपका एच एक्स है ये आपका एच डैश एक्स आ रहा है ये आपका एफ आ रहा है तो ये क्या आ रहा है आपका एफ डैश तो वट विल बी द आंसर योर आंसर विल बी e पावर power x plus बाई by x into f f कितना है? X plus c, that's it. अगले वाले को देख लो अब आप अगले वाला भी सेम ही बनेगा this is, अब इसका क्या होता है ये होता है तो कैसे लिखूं बेटा इसको दिस इज टेन एक्स दिस इज साइन एक्स प्लस अब secant स्क्वायर एक्स यहां जनरेट करना ना तो आई राइट इट माइनस कॉस एक्स टू में सीक्वेंट एक्स ये देखो बन गई बात फिर दोबारा से बन गई कैसे आंसर ओवर आंसर इज सिंप जी राइट पर वट इज एफ हिस्स एफ है कितना यहाँ पेस्ट टू दावर टेन एक्स है इंटू वट इज एफ दिस इज माइनस दिस इज प्लस सी खत्म हो गया काम सेम वे में यहाँ जनरेट कर लो दिस इज ई रेस्ट टू पावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ रहा है तो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स ये आ रहा है एंड इफ़ यू हैव दिस तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस यू कैन राइट इट लाइक एक्स प्लस यहाँ से कितना कॉमन ले लें वी टेक यहाँ से एक्स स्क् एक्स कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा बेटा एक्स प्लस टू एक्स की पावर फोर इंटू में डी एक्स ये देखो ये आ गया बट द प्रॉब्लम वट वी वॉन्ट हियर फोर एंड टू तो इसका मतलब मैं क्या करूँ बाई टू कर देता हूँ एक टू यहाँ लगा देता हूँ और इसको फोर कर देते हैं ये कर देते हैं तो जैसे ही मैंने ये किया तो देखो ये हमारा क्या बना बेटा एच एक्स ये हमारा क्या बना एच डैश एक्स इफ़ दिस इज योर एच डैश एक्स तो ये क्या बना एफ और ये क्या आ गया एफ डैश तो वट विल बी द आंसर द आंसर विल बी ई रेस टू दावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वा दिस विल बी एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी ये आंसर होगा राइट सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप राइट ऑफ इंटीग्रेशन इज इट फाइन दिस पार्ट राइट नो कम टू द नेक्स्ट पार्ट राइट सी दिस अब देखो दिस द लास्ट टाइप इन विच वी आर सींग वी हैव टू डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रियल देखो यार ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे जिस केसेज में हमसे क्या कहेगा हमें किसी इंटीग्रियल का इंटीग्रल दे रखा होगा और हमसे वो कहेगा एन बी निकालो तो ऐसे केसेज में आई मस्ट से बेटर तरीका होता है यू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड इनस्टिड ऑफ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ज्यादा आसान है तो क्या आएगा वन माइनस एक्स सेवन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू दावर सेवन इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट विल बी द डेरिवेटिव इन दिस केस अब डेरिवेटिव इस तरफ का क्या आएगा एल एच एक्स का डेरिवेटिव क्या बन रहा होगा बेटा द डेरिवेटिव फॉर द एल एच एक्स इज ए अपॉन एक्स प्लस दिस इज सेवन इंटू चेन रूल भी लगा दिया हमने एक्स रेस टू दावर सिक्स अपॉन दिस इज वन प्लस एक्स रेस टू पावर सेवन ये आ जाएगा हमारे पास

राइट right? और अगर मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो वट एल डू इन दिस केस इज नो आई सिंपली कंपेयर कंपेयर कर लेते हैं व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर सेवन बोथ साइड ये देखो एक्स की पावर सेवन का कोफिशियंट बताओ दोनों तरफ में क्या आ रहा है दैट इज नथिंग बट ए प्लस सेवन ऑफ बी दैट इज इक्व टू माइनस वन एंड वॉट अबाउट द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज ए एंड ए एक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से वो आ गया वन तो ए वन आ गया वन को रिप्लेस करूंगा तो सेवन बी इज इक्वल टू दिस इज माइनस टू और बी इज इक्वल टू माइनस टू बाई सेवन देखो डायरेक्टली आ गया देर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए एंड गेट द आंसर अब सिमिलर केस में आप आगे भी करो इसको क्या कर लिया आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सो द मूवमेंट आई डिफरेंशिएट वट आई गेट इट आई सिंपली गेट इट दिस इज रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स इन टू एफ एक्स राइट दैट इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इन टू में चेन रूल अंदर वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स ये आ जाएगा देखो इज इट फाइन और ये देख लो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये से ये उड़ गया ये सारे उड़ जाएंगे ये से ये भी उड़ गया तो वट इज योर येट इज कॉस एक्स ये आंसर होगा राइट तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट दैट वी हैव क्विकली गो थ्रू तो इसमें हमने काफी सारी टाइप्स ऑफ थ्योरी को हमने एक बार कवर कर लिया है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चंस राइट जो हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं बेटा राइट चलिए नाउ अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दोस Already में आ चुके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप, आप क्या कर सकते हैं देखिए मैं इसमें कुछ ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा बाकी मेंस्ट क्विकली राइट द हिंट सो दैट यू कैन यू नो मतलब डू इट योर सेल्फ राइट अब थ्योरी पार्ट मैंने काफी अच्छे से आपको एक बार गो थ्रू करा दिया अब देखिए जैसे इसमें वही वाली बात आ रही है ना अगर आपको ए और बी निकालना है बेटा इफ आई वॉन्ट टू फाइंड ए एन बी तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बेटा इस केस में व्हाट शुड वी डू इन दिस केस वी सिंपली डिफरेंशिएट बोथ साइड ये साइड so तो आप देखो बेटा क्या मिलेगा ये हट ही जाएगा क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा दोनों तरफ दैट इज इक्वल्स टू अब देखो चेन रूल एक साथ ही दोनों काम लगाते रहते हैं ए अंदर वाले में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्र विद टू टाइम्स आई होप आपको डेरिवेटिव क्लियर है नो दिस इज़ बी अब देखो चेन रूल लगा रहा हूँ सॉरी uh, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ साइन इनवर्स का वॉट इज दैट डेरिवेटिव इज दैट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस थ्री बाई फोर का क्या होल स्क्वायर अब चेन रूल अगर लगाऊंगा तो बाई फोर और आ रहा होगा ये बस ये आ जाएगा राइट दिस सो बेटा अब इफ आई राइट इट टू एक्स प्लस फाइव दिस इज रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्सर इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ से देखिए क्या आ रहा होगा यहाँ से आई टेक टू फैक्टर कॉमन ये से टू से टू उठ जाएगा सो वट आल गेट इट हियर इज आई सिंपली गेट इट कितना मिलेगा हमें यहाँ से देखिए माइनस टू ए एंड दिस विल बी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस में अब देखो यहां पे ध्यान से देखो दिस विल बी सिक्सटीन इफ आई टेक टेकटीन हियर और इस फोर को रूट के बाहर लाऊंगा तो बेटा ये वाला फोर घूम के ऊपर जाके फोर ही तो आएगा तो आई कैन कैंसल आउट दिस विद दिस आई सिंपली गेट इट बी अपॉन और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको यही चीज सेम मिल जाएगी सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस में एक्स देखो राइट ये दिस यू विल गेट इट एंड इफ यू गेट इट दिस तो देखो फिर तो दिख रहा है ये ये और ये कैंसिल आउट हो गया वट आर गेट इट आई सिंपली गेट इट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स माइन सॉरी माइनस टू ए दिस इज माइनस टू ए माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा अब आप कंपेयर कर लीजिए तो अगर मैं एक्स का कोफिशंट कंपेयर करता हूँ बेटा देखो ये कंपेयर करना है मुझे राइट right? अगर मैं एक्स का कोफिशियंट कंपेयर करता हूं तो एक्स का कोफिशियंट सीधा ही देखो क्या दिख गया माइनस टू सो देखो चॉइसेस में या तो वन और थ्री में से कोई एक चॉइस है एंड इफ ए इज माइनस टू तो बेटा व्हाट इज फाइव इज इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ टू ए प्लस बी ये आ जाएगा सो इफ आई रिप्लेस माइनस टू हियर सो द योर बी विल कम आउट टू बी कितना दैट विल बी ये आंसर हो जाएगा दैट विल माइनस वन आ जाएगा राइट एंड दिस विल बी सॉरी दिस विल बी माइनस ए है ना तो ये उल्टा हो गया तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ये से ये उड़ जाएगा दिस विल बी टू तो टू आने के बाद बी विल बी कितना आ जाएगा वन आ जाएगा सो हियर योर ए विल बी कितना आएगा ए इज योर माइनस टू आ रहा है ना ए इज़ माइनस टू हाँ ए इज माइनस टू और वॉट चेक कर लेते हैं दिस इज माइनस ए इज इक्वल टू टू था हाँ सॉरी उल्टा हो गया ये राइट सो दिस इज ए माइनस ए इज इक्वल टू टू है तो ए की वैल्यू आ गई माइनस टू राइट इट इज माइनस टू सो अच्छा एक यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दिस इज़ नॉट टू दिस इज़ बेसिकली थ्री आएगा यहाँ क्योंकि टू कॉमन लिया ना बेटा मैंने तो दिस इज माइनस थ्री ए आएगा सो दिस इज़ थ्री तो अगर ये थ्री आ रहा है आप ए की जगह माइनस टू डाल रहे हो तो बी विल बी और माइनस वन तो आंसर विल बी वन सो देखो आई सिंपली डिफरेंशिएट बोथ साइड एंड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद ईजिल आपने इसका आंसर निकाल दिया राइट तो अगेन यू कैन डू इट योर ओन नो कम टू दिस टाइप देखो एक और क्वेश्चन है हम इसको जल्दी से कर लेते हैं अगेन आई ट्राई टू सॉल्व आइदर आप यू कैन इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर साइड बट आई मस्ट शो यू कि वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड आल्सो आप दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं राइट एंड हाउ कैन यू फाइंड द आंसर फॉर दिस हाउ विल यू फाइंड द आंसर फॉर दिस डिफरेंशिएट करते हैं इसको देखिए तो वंस यू डिफरेंशिएट दिस तो वॉट यू विल गेट इट ये देखिए जरा जल्दी क्विकली देखते हैं दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस इज टेन एक्सक्स नॉट इंटीग्रल अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बेटा सो वट आई गेट इट हियर दिस इज टेन एक्स दिस इज वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस के अपॉन रूट ए इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा दैट इज वन अपॉन दिस इज वन प्लस के टेन एक्स प्लस वन बाई कितना बेटा रूट ए और इस पूरे का कितना होल स्क्वायेर देखो ये आएगा वो देखो ना कई लोग देखने में थोड़ा सा ना यू नो मतलब पैनिक करेंगे उनको लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल सा डेरिवेटिव है पर अभी मैं चेन रूल भी लगाऊंगा अब चेन रूल में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा दैट इज नथिंग बट के बाई रूट ए इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स देखो ये आ जाएगा राइट right? सो so ये आ जाएगा आपके पास दिस इज यू कैन से बाई रूट ए इंटू में सी कैंड स्क्वायर एक्स देखिये ये चीज आ जाएगी आपके पास राइट right? और अगर ये आ गया तो बेटा ये सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कई लोगों को हो सकता है थोड़ा लग रहा हो कि यार ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया भैया ने तो देखो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ये देखो ध्यान से देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अपना आई यूज कर ले तो ये बस यहीं पर खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन यू टेक दिस एल्सियम यहाँ पे क्या आएगा स्क्वेयर है ए आएगा यहाँ पे आएगा ए अब ये देखो ये ए आ रहा है ये ए आ रहा है तो ये तो सारे कैंसिल आउट ही हो गए इज इट फाइन तो यहाँ पे क्या बचा वन माइनस के स्क्वायर सीकेंड स्क्र एक्स को क्योंकि यहाँ सारी की सारी टर्म टेन एक्स की है तो मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख देता हूँ वन प्लस एक्स एंड इज डिड बाई यू ओपन इट तो दिस विल बी ए प्लस के स्क्वायर टेन स्कोयर एक्स प्लस टू के टेन एक्स दिस इज नथिंग बट टू के टेन एक्स हो जाएगा बेटा ये दिस विल बी टू के टेन ऑफ एक्स हो जाएगा देखो ये आ जाएगा And when you take the LCM for this, so this will be 10x upon 1 plus 10x plus 10 square x that is equals to this is a plus k square 10 square x plus 1 plus 2k 10x, right, and minus k square, and this will be minus of k square 10x, 10 square x, and this whole is divided by a plus 1 plus k square 10 square x.

and divided by this will be a plus वन plus k square टेन square x plus टू के टेन देखो ये आ गया और बस क्वेश्चन इज ओवर अब तो बस आपने सिंपली क्या करना है बेटा कंपेयर करना है दोनों तरफ राइट right? तो अगर मैं न्यूमिनेटर में कंपेयर करता हूँ तो कितना मिल रहा है बेटा 2k के इज इक्वल टू वन एंड a plus 1 वन माइनस के कितना आ गया zero आ गया और अगर मैं डिनोमिनेटर को कंपेयर करता हूँ कंपेयर इन डिनोमिनेटर तो बेटा आप 10x वगैरह को कंपेयर कर सकते हो सिंपली कम्पेयर वॉट 10 square x तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है के स्क्यर इक्वल टू वन देखो ये आ रहा है सो इफ एल से दिस इज वन एंड दिस इज टू राइट तो आई कैन से दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू टू के दिस इज फ्रॉम वन एंड टू ये बोल रहे हैं हम right? राइट तो यहाँ से बेटा के की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई और टू आ गई अब डेफिनेटली हम बोल रहे हैं के की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती वाई के कैन नॉट बी जीरो बेटा अगर के ज़ीरो हुआ तो आप खुद ही देखो ना यहाँ पे देखो ना के को जीरो लिया फिर तो ये पूरा का पूरा टेन एक्स वाले फंक्शन में यहाँ कहीं टेन बचेगा ही नहीं राइट right? ये तो सिंपली वन बच जाएगा ना ये तो क्योंकि के को जीरो डाल दिया ना आपने यहाँ पे देखो ये यू हैव टेकन दिस यहाँ पे अगर आपने के को जीरो डाल दिया तो ये तो वन ही बचेगा ना और यहाँ पे फंक्शन टेन का है वो तो बात बनेगी नहीं ना फिर यहाँ पे तो के तो जीरो हो नहीं सकता तो के की वैल्यू तो देखो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास के की वैल्यू टू आ गई एंड इफ यूर के इज टू तो यहाँ से निकाल लो दिस इज ए प्लस वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो मतलब के इज इक्वल टू थ्री सॉरी ए इज इक्वल टू थ्री आ गया यहाँ से राइट सो योर ए इज थ्री हियर ये आंसर हो जाएगा राइट सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन वी वी डिड इट यूजिंग वॉट डिफरशिएट बोथ द साइड राइट अब एक ये वाला क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप थी बेटा इस वाली टाइप में हम लोगों ने क्या करना था ये देखो ना इसमें इसने क्या बोला है इसमें ये सिंपली ये बोल रहा है कि दिस इज ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ समथिंग दे रखा है तो मेरा सबसे पहली जॉब तो ये है बेटा कि मैं यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन पहले मैं एफेक्स तो निकालू आई जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस एफेक्स और एफ निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा एक ही वेरिएबल लाना पड़ेगा ना और उस एक वेरिएबल को लाने के लिए मैंने क्या डाला सपोज मैंने दिस फोर इज इक्वल टू टी डाल दिया राइट सो वेन यू सिंप्लीफाई दिस बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस तो यू विल गेट इट योर टी इज इक्वल टू दिस इज फोर टी प्लस फोर दिख रहा है बेटा दिस इज फोर टी एंड दिस विल बी फोर को उधर लेके जाओगे प्लस दिस इज थ्री माइनस थ्री टी मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है दिख रहा है बेटा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इंड टर्म्स की शिफ्टिंग करूंगा तो डायरेक्टली मुझे यही नजर आएगा ये मेरे पास टी आ गया देखो सॉरी दिस इज नॉट टी बट यू कैन से दैट दिस इज योर एक्स आ गया ये एक्स आ जाएगा आपके पास एंड इफ दिस इज योर एक्स तो वॉट इज योर एफ ऑफ एफ ऑफ टी T इज नथिंग बट आपने बोला था दिस इज x प्लस टू के बराबर है तो बेटा x प्लस टू एक्स तो मैं निकाल चुका हूं दिस इज फोर टी प्लस फोर अपॉन थ्री माइनस थ्री टी राइट एंड दैट विल गिवस यू थ्री माइनस थ्री टी प्लस टू राइट दिस इज प्लस टू ये आएगा ना सो मैन आई सॉल्व दिस बाई टेकिंग द एल सी एम यू विट इट कितना मिलेगा बेटा जब दिस इज सिक्स एंड दिस इज सिक्स टी सो यू विल गेट इट दिस इज सिक्स माइनस फोर दिस इज टू टी माइनस टेन अपॉन में दिस विल बी थ्री टी माइनस थ्री ये आ जाएगा देखो राइट सो दिस इम्प्लाईज वट इज योर एफेक्ट्स फ्रॉम दिस एफेक्ट्स विल बी योर एफेक्ट्स विल बी नथिंग बट कितने के बराबर आ जाएगा बेटा ये दिस विल बी टू एक्स माइनस टेन अपॉन

टू एक्स माइनस थ्री विच इज ए विद माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स चेन रूल के साथ प्लस बी राइट सो जब आप यहाँ से अब कंपेयर करेंगे तो बेटा दिख रहा है दिस इज टू एक्स माइनस टेन अपॉन दिस इज नॉट टू एक्स बट दिस इज थ्री था ये थ्री आएगा यहाँ दिस इज थ्री सो यूल टेक थ्री इज आउट दिस विल बी एक्स माइनस वन प्लस यहाँ से दोनों को माइनस को एडजस्ट कर दिया तो अगर मैंने दोनों माइनस को यहाँ पे एडजस्ट किया तो कितना मिलेगा बेटा यहाँ से यू विल गेट इट ए अपॉन एक्स माइनस वन दिस इज ए प्लस में बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन देखो ये आया राइट right? तो ये तो क्लियर हो गया यार क्वेश्चन अब यहाँ से अब मैं यहां से क्या कर सकता हूँ दिस विल बी टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन बस अब यहां से अब आपने कुछ नहीं करना यू सिंपली कंपेयर कंपेयर कर लीजिए सो वेन आई कंपेयर दिस तो मेरे को b की वैल्यू देखो दिख रही है अगर मैं x को कंपेयर करूंगा यहाँ से तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा टू इज इक्वल टू थ्री बी तो b इज इक्वल टू टू बाई थ्री आ गया एंड नेक्स्ट इज माइनस टेन इज इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री बी तो बेटा यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एट बाई थ्री आ जाएगी सो वट विल बी द आंसर माइनस एट बाई थ्री एंड टू बाई थ्री सी वन इज़ द राइट आंसर सो अगेन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर तो सिंपल क्वेश्चन है देखो एम जस्ट डूइंग सिंपली डिफरेंशिएट बोथ द साइड अब देखो ये वाली, को, ये वाली वाली टाइप अभी करा के लाया था एक्स प्लस टू इ रेस्ट टू दावर एच एक्स इंटू मे एफ एक्स प्लस सी राइट दिस वॉज द क्वेश्चन केम इन टू थाउजेंड नाइनटीन अप्रैल राइट right. देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये देखो ना ये आपका सेकेक्स है ये उसका क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव इज इट फाइन राइट तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को क्विकली लिख दूं तो व्हाट विल बी दिस दिस इज इेस्ट टू दावर सेकैक्स दिस विल बी सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एफ एक्स नॉट प्लस बट मल्टीप्लाइंग दिस इज इंटू एफ एक्स प्लस दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वास देखो ये आ गया राइट दिस इंटू में कितना आ जाएगा ये डी तो बेटा अब आप ही देख लो ये क्या है मेरा एच डैश एक्स ये क्या है मेरा एच एक्स है तो बेटा ये मेरा अगर एफ एक्स है तो पक्का ये कितना आ गया मेरा एफ डैश एक्स आ गया तो इसका मतलब वॉट इज योर एफ डैश एक्स हियर इज दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंड स्कोयर एक्स ये आ गया तो अब मैं इसको क्या करूं बेटा यहां से इंटीग्रेट कर देते हैं वी सिंपली इंटीग्रेट एंड द मोमेंट आई इंटीग्रेट दिस तो योर एफ एक्स विल कम आउट टू बी दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी ये आंसर हो गया तो व्हाट विल बी द राइट आंसर सी दिस और देखो कितनी क्विकली आप विद विदिन अ मिनट्स यू आर एबल टू फाइंड ऑल द आंसर्स राइट सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ये देखो ये अब आप इसको कर लेना बेटा अपने आप दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर सकते हो right? यू सिंपली बोथ साइड बट हाँ ये है कि ये साइन और कॉस में है तो आप पहले यहाँ टेन दे रखा है तो यू राइट इट लाइक दिस फाइन साइन फाइव साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग जो भी है अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बोथ साइड सो वेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड यू विल इजिली गेट यूर कंपेयर करना है दोनों तरफ एन यू गेट द आंसर सिंपल क्वेश्चन है फाइन 2012 में आया देखो सिंपली देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हमने बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर रहे हैं राइट कम टू नेक्स्ट पॉट ये देखो अगेन अगेन अ सिंपल क्वेश्चन अगेन मैं तो यार इसके अंदर डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों तरफ कुछ करना ही नहीं है क्या मिलेगा देखो दिस इज इफ आई डिफरेंशिएट दिस बोथ साइड तो क्या मिलेगा देखो लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्र इंटू वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्स नॉलेज वाली बात है एक समझदारी वाली बात है अगर मैं आपसे पूछू वट इज डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ वन प्लस टी स्क् राइट सो आई होप यार ये तो आपने इतनी बार कैल्कुलेट किया है ट्वेल्थ के अंदर की आपको याद ही होगा कि इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं बेटा यहां पे दैट वैल्यू इज वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस टी स्क् और अगर मैंने ये वैल्यू निकाली फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ये देखो ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है फिर मुझे ये कोई फंक्शन ऑफ है तो बेटा ये ये उसका क्या नजर आ रहा है यहां पे मुझे? ये नजर आ आ रहा रहा है है पे मुझे डेरिवेटिव तो आप ही मुझे बता दो वट इज जी ऑफ टी कैलकुलेट ही नहीं किया भाई क्वेश्चन में ही दिख गया दिस इज लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ वन प्लस टी स्क् वट इज जी ऑफ टू दैट इज लॉग ऑफ टू प्लस रूट फाइव बस ये आंसर हो गया देखो येट किया दोनों तरफ, question is over. Right? Come to the next part. ये देखिए इसको I must say कि बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है बट इसके इसको लर्न करने के वन ट्रिक इन दिस सी सबसे पहले तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना वी ब्रेक द पावर दिस इज एन माइनस टू एक्स इंटू में दिस इज टेन स्कोयर एक्स इंटू में डी एक्स राइट नाउ आई राइट इट दिस इज जस्ट टू इंटीग्रेट दिस दिस ऑफ कितना दे रहे हैं बेटा हम यहाँ पे दिस इज बेसिकली एन माइनस टू एक्स एन दिस इज सी केंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू मे डी एक्स देखो ये लिख दिया हमने ब्रेक करना पड़ेगा यार पावर बड़ी है अगर पावर बड़ी है तो यहाँ देखो ना लर्निंग पार्ट क्या है देखो अगर ये एन है तो ये एन है तो अगर मैं यहाँ पे एन माइनस वन कर दूँ तो यहाँ पावर में भी कितना आएगा एन माइनस वन हो जाएगा

तो बेटा यहाँ पे मैंने लाया कैसे इसको कि मैंने यहाँ टेन एक्स की जगह कितना डाल दिया t सो दिस इज सी आ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी हैव दिस तो बेटा फिर तो ये क्वेश्चन ही ओवर हो गया दिस आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस ये देखिए आई एन प्लस आई ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू दिस इज टी रेज टू दावर एन प्लस एन एन दिस इज टी रेज टू दावर एन माइनस वन दिस इज एन माइनस वन अपॉन दिस विल बी एन माइनस वन प्लस सी ये आंसर होगा राइट तो दंसर विल बी आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस दिस इज आई एन प्लस आई ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू टेन ऑफ एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन प्लस सी ये आएगा तो आप देखो याद करने का तरीका देखते हैं हम क्या है कि हमने ना इसमें एन को एन प्लस टू से रिप्लेस किया सो आइल गेट इट एन प्लस टू प्लस आई एन इज इक्वल टू टेन ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी ये आंसर आ रहा है तो याद करने का तरीका देखो क्या है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो इन दोनों की बेटा जल्दी से बताओ वट इज दिडल टर्म वॉट इज मिडल एन प्लस टू और एन में मिडल क्या आएगा दैट इज एन प्लस वन तो ध्यान दो अगर ये एन प्लस टू और एन है तो ये एन प्लस वन यहाँ पावर में आ रही है और यही डिनोमिनेटर में आ रहा है बस ये बात याद करनी है राइट right. तो अगर ये वाली बात याद कर रहे हो तो बेटा आप ही मुझे बता दो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है क्वेश्चन में इज आस्किंग फॉर आई फोर प्लस आई फोर प्लस आई ऑफ सिक्स विडल बोलो वॉट इज मिडल दैट मिडल इज नथिंग बट फाइव एंड इफ इट इज फाइव तो वट विल बी द आंसर टेन रेज टू दी पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया वट इज ए वन बाय फाइव एंड वट इज बी जीरो बस लो ओरली क्वेश्चन है तो आपको ये वाला पार्ट आई मस्ट से यू लर्न दिस पर्टिकुलर पार्ट इसको आप याद रखिए राइट लर्न पर्टिकुलर रिजल्ट इस रिजल्ट को आप याद रखिए राइट सिंपल है कई बार आया हुआ है ये मेंस में ऑलरेडी एक दो बार पूछा जा चुका है एन के ऊपर तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे इसको राइट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा आप ही बताइए व्हाट विल डू इन दिस केसेस ये देखो ये अगेन आई मस्ट से ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है इेशनल का दिस इज ऑफ इेशनल टाइप राइट right. कब आया ये क्वेश्चन कब आया बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो दिस वाज द क्वेश्चन केम इन जनवरी 2019 में आया है और इट्स अ बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है इरेशनल है पहले ही पढ़ा चुका हूं क्या करना है इरेशनल के लिए मैंने क्या बताया था वी हैव टू टेक हाईएस्ट पावर ऑफ पावर ऑफ एक्स को क्या लेना है बेटा आपने कॉमन लेना है किससे इैशनल फैक्टर से बस और कुछ नहीं करना सिंपली यू डू दिस एंड यू विल गेट योर आंसर राइट right? तो बेटा अब अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा मैं देख लीजिए आप दिस इज टू एक्स रेज टू दी पावर थर्टीन प्लस टू एक्स रेस टू दी पावर इलेवन डिवाइडेड बाई हाइएस्ट पावर क्या आ रही है फोर पर फोर की पावर फोर है तो नीचे क्या आएगा एक्स की पावर सिक्सटीन राइट तो इफ इट इज़ एक्स की पावर सिक्सटीन तो इट इज़ टू प्लस थ्री बाई एक्स की पावर फोर लिया है तो थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स फोर की पावर फोर राइट ये आ जाएगा देखो इंटू डी एक्स और याद ही वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया था फिर हमें क्या करना होता है बेटा इसको इसके नीचे भी फिट कर दो इसके नीचे भी फिट कर दो वॉट यू विल गेट इट हियर तो आप ही खुद देख लो दिस इज थ्री कितना आएगा बेटा ये अगर मैं एक बार सिक्सटीन को दोनों के नीचे फिट करूंगा तो दिस इज थ्री अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन एक्स की पावर फाइव इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई दिस इज टू प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की पावर फोर बस ये करना है और जैसे ही आपने ये किया फिर तो यार देखो ना अब हमने क्या करना है बेटा यहाँ पे देखो अब हम पुट कर देते हैं क्या टू प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू टी तो डेरिवेटिव माइनस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर अपॉन एक्स की पावर फाइव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो दिस विल बी माइनस यहाँ से हम टू कॉमन ले, ले लेते हैं माइनस प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब प्लस दिस इज टू अपॉन एक्स की पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डी टी देखो ये आ गया

ज टू प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स की पावर फोर ये उठा के यहां पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर तो देखो बिल्कुल टिपिकल टाइप है अब देखो जितने मैंने आज आपको टाइप्स कराई है ना उन्हीं टाइप्स से रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप ध्यान से देखो हमने किससे सॉल्व कर दिए बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हम लोगों ने सिंपली डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर दिए कम टू नेक्स्ट अगेन देखो टिपिकल है इरेशनल है हाइएस्ट पावर कॉमन लेना है दिस इज अगेन इरेशनल इरेशनल है राइट right. तो so, कर लेंगे ना अब आप मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ बेटा इस केस में अगेन यू टेक एक्स स्क्वायेर कॉमन तो यू विल गेट इट एक्स रूट ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर इंटू में डी एक्स ये आ जाएगा सो आई कैंसिल आउट दिस विद दिस तो दिस इज रूट ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब में डी एक्स ये आएगा अब आपने क्या करना है सिंपली बेटा पुट कर दीजिए वन बाई एक्स स्क्र माइनस वन टू टी तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ऑलरेडी डेरीवेटिव देखो ये डेरीवेटिव पड़ा हुआ है राइट सो दिस विल बी अगेन माइनस हाफ दिस इज रूट टी डी बस खत्म दिस इज रूट ऑफ टी इन में मे डी टी जस्ट कर लीजिए इसको सॉल्व अप इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन इज इट फाइन दिस पार्ट राइट आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कम टू द नेक्स्ट पार्ट ये देखिए इसमें भी क्या करेंगे अगेन देखो ये वाली क्या टाइप आ रही है बेटा ये दिस इज अगेन ऑफ वॉट दिस इज इेशनल इेशनल है तो अगर ये इैशनल है तो बेटा यहां पे भी हमें क्या करना है को 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 क्या लेना बेटा so so की बाहर बाहर निकालो. 6 को बाहर निकालो 6 into by बनेगा. तो बेटा ये क्या देगा आपको फोर सो दिस बी एक्स की पावर सेवन वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स की होल पावर कितना आ जाएगा बेटा टू बाई थ्री ये आ जाएगा अब आप इसमें पुट कर दीजिए पावर टू बाई थ्री ये तो बेटा अब आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं नॉट अ डिफिकल्ट दैट यू कैन डू इट योर ओन राइट दिस वॉज द क्वेश्चन केम इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं राइट अगेन डू दिस ये भी देखो फिर अगेन वही इैशनल है बस फर्क कितना है कि कॉसिक्स इंटू में डी थीटा आया हुआ है सो वॉट यू विल डू इन दिस केस सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि मैंने साइनिक्स साइन ऑफ थीटा की जगह क्या डाल दिया टी सो दिस इज कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हाउ दिस इंटीग्रल रिड्यूसिस टू टी एन माइनस टी रेस्ट टू द पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई टी रेस्ट टू द पावर दिस इंटू में कितना आ जाएगा बेटा ये डी थीटा आ जाएगा डी आ जाएगा

right so what's the answer you will get it here is you will get it here is something like integral 1 upon n minus 1 this is uh, z raised to the power 1 by n divided by uh, nothing but into my d of z तो तो यार ये तो अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं दिस इज नथिंग टू बी मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है तो यार आप ये ध्यान दीजिए बेटा कि ये सारे के दीज आर ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉट इर के ऊपर ही सारी की सारी वेराइटी बार बार पूछी गई है और इर का रूल क्या है हाईएस्ट पावर जो भी है उसको आपने कॉमन निकालना है दैट्स इट राइट right. अगेन देखो ये तो क्वेश्चन ही देखो 2020 में क्वेश्चन आया है राइट right? तो इसमें तो दिख रहा है बेटा कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो सबसे पहली चीज मैं पुट कर देता हूं क्या साइन एक्स इक्वल टू टी तो अगर मैंने एक्स इक्वल टू टी डाला यू विल गेट इट कॉस एक्स इन डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी एंड हाउ दिस इंटीग्रल रिड्यूसिस टू टी टी क्यूब वन प्लस टी की पावर सिक्स रेस टू दी पावर टू बाई थ्री राइट और ये देखो ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया है और ये एग्जैक्टली सेम टाइप बन गई देख रहे हो एक्स क्यू प्लस वन प्लस एक्स की पावर सिक्स ये भी तो सेम ही टाइप है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है राइट वी हैव अभी तो किया है हमने पीछे इसको सो so, कोई बहुत ज्यादा यू नो मतलब डिफरेंट टाइप्स तो आई नहीं रही यार बिल्कुल सिमिलर कैटेगरीज बार 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 आई जा रही है राइट अगेन ये हाँ जी ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया इसी साल ये क्वेश्चन आया अब कितने लोगों को फील आ गई इसकी याद आ रही है अभी कराई थी ना बेटा ये वाली टाइप क्या टाइप कराई थी इंटीग्रल ऑफ एलवन की पावर एम दिस इज एल टू एक्स की होल पावर एन इंटू में डी एक्स ये देखो ये वाली टाइप थी राइट एंड इफ दिस वॉज द टाइप अगर ये वाली टाइप आपके पास आ रही थी तो इसमें मैंने क्या बताया था बेटा हमने पढ़ा था कि एम प्लस एन क्या होना चाहिए नेगेटिव इवन इंटीजर नहीं नेगेटिव इवन इंटीजर होना चाहिए

एक्स प्लस फोर बाई एक्स माइनस थ्री बनाए या फिर एक्स माइनस दिख रहा है चॉइसेस से से सो so, आप जल्दी बताएं हाउ आई आई राइट राइट दिस 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 इंटीग्रल इंटीग्रल अपॉन 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 की पावर एक्स प्लस फोर की पावर एट बाई सेवन इंटू एक्स प्लस फोर की पावर सिक्स बाई सेवन देखो ये वाली टाइप आ गई और ये तो यार क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हो गया दिस इज अगेन सेम टाइप अभी किया है यार हमने मैंने जब आपको पीछे अभी टाइप्स बता रहा था तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है और ये आ गया एक्स प्लस फोर पावर टू राइट अब कर लीजिएगा अपने आप ये सिंपली पुट एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू कितना टी की पावर सेवन ही डाल दो ना सिंपल है सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेवन भी आएगा वो दिख रहा है बेटा क्वेश्चन रूल लगाओगे दोनों के डेरिवेटिव वन, वन आ रहे हैं बस ये फोर प्लस थ्री कितना पावर सिक्स डी टी राइट देखो और भी आसान हो गया सेवन से सेवन भी उड़ गया तो सेवन से सेवन उड़ा तो इंटीग्रल क्या बचेगा बेटा द इंटीग्रल इज दी टी दिस अपॉन की पावर सिक्स ये उड़ गया तो इट इज वन इंटू डी कितना आसान क्वेश्चन है एंड एंड इंटीग्रल फॉर दिस दैट बस where, t तो ये देखो यार, मैंने सारी टाइप से डिस्कस करी है कोई खास वो नहीं है अब देखो ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार किए दिस इज कॉज ऑफ लॉग ई बेस पर एक्स इंटू वन इंटू में डी एक्स अब पहले कॉस आ रहा है तो यहां सिंपली व्हाट आई विल अप्लाई आई सिंपली अप्लाई बाई पार्ट्स मैं बाई पार्ट्स का अप्लाई करूंगा वेयर वेयर आई विल टेक दिस एज वॉट फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज वॉट सेकंड फंक्शन फील ही आ रही है ना देखो कैसे पता चल रहा है बाईपार्ट का जो कॉस्ट लॉक एज इट इज नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यहां भी नजर आ रहा है एक्स तो -e को क्या रखना है रिटेन करना है और इंटीग्रेशन में रिटेन वाली चीज कहां आती है इज इट फाइन तो कर लीजिएगा इसमें बस आपने सिंपली आप राइट डू इट योर सेल्फ सिंपल क्वेश्चन है यार आप कर सकते हैं राइट कम टू नेक्स्ट अगेन देखो दिस इज दिस इज अ अगेन क्वेश्चन केम इन 2013 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया बेटा 2013 में आया है तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं वो कह रहा है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्ट इंटू डी एक्स इज गिवन टू अस दैट इज साई एक्स दे रखा है तो x this, तो क्यूब ऑफ दिस पहली चीज तो मैं आई को ब्रेक कर लेता हूँ एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू मे दिस इज एक्स स्क्स और देखो यहां से फील आ गई कि मैं X square की जगह क्या डाल दैट इज इक्वल टू डी टी बाई थ्री ये आ जाएगा सो वॉट योर आई हियर इज इंटीग्रल टी एफ टी इंटू मे डी टी देखो ये आ रहा है अब आप मुझे बताइए दिस इज ये तो पक्का समझ में आ रहा है देखो फील आ रही है इंटीग्रल ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर जो चॉइसेस उसमें इंटीग्रल हमें नजर आ रहा है तो ये तो पक्का है क्वेश्चन किसका है बाई पार्ट का है यार अब ये सब ऑब्जर्वेशन होती हैं आपने चॉइसेस वगैरह सब चीजों को ऑब्जर्व करना होता है राइट तो अगर आप इसे ध्यान से देखें पक्का बाईपार्टस का क्वेश्चन है नो दिस इज अब क्वेश्चन आ रहा है विच फंक्शन शुड बी फर्स्ट एंड विच फंक्शन शुड बी सेकंड अब आपको लगेगा अगर आप एल्जेब्रिक के तरीके से सोचें तो यार सिंपल सा लॉजिक होता है अगर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है तो सेकंड फंक्शन हमेशा वो होता है जिसका इंटीग्रल मुझे पता है अब आप देखो ना एफ टी का इंटीग्रल तो मुझे गिवन दे रखा है ना सी दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी इज ऑलरेडी गिवन टू मी राइट एंड एन इट इज ऑलरेडी गिवन टू मी टू आई टेक दिस एज वॉट फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड राइट सो आई होप कर ही लेंगे यार अब तो आप इसमें एस uh, सच कोई खास मुश्किल काम नहीं है सो दिस विल बी टी इनटू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का डेरिवेटिव दिस इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी होल इनटू में भी डी टी आ जाएगा राइट एंड व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर दिस नाउ वॉट इज द इंटीग्रल फॉर दिस सी दिस आई इज इक्वल टू टी इंटू दिस इज साई ऑफ टी माइनस इंटीग्रल ऑफ साई ऑफ टी इन टू डी टी ये आ गया अब बस आपने टी को रिप्लेस करना है टी कितने के बराबर लिया था बेटा आपने टी कितने के बराबर लिया हुआ था देखिए यहाँ वन बाई थ्री हमसे मिस हुआ है था। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बेसिकली यहाँ पे वन बाई थ्री और ऐड करना है दिस इज वन बाई थ्री ये आएगा सो दिस इज वन बाई थ्री देखिये ये आ जाएगा यहाँ पे राइट ये मिस कर दिया था हमने तो बस यार अब डाल दीजिए यहाँ पे दिस इज वन बाई थ्री टाइम्स दिस इज this is psi of x cube minus integral this is psi of x cube अब देखो ये dt है ये x है ये नहीं चल सकता तो हमें यहां भी क्या करना होगा बेटा पक्का हमें यहां भी क्या करना होगा दिस इज साई ऑफ एक्स क्यूब तो हमें डी टी को रिप्लेस करने डी टी की वैल्यू तो ये रही ना दिस इज थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू मिटी एक्स बस ये आंसर आ गया इसी टर्म्स में तो आंसर दे रखा है तो आप निकाल लीजिए इसका तो आई गया आंसर बस राइट सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है दिस वाज़ द क्वेश्चन केम इन 2018 तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अब आई इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये देखो यार यहाँ से इसको और इसको ऑब्जर्व करो क्या कॉमन आ रहा है जस्ट दिस इज साइन इज आउट तो यू लेफ्ट विद साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज आउट यू विल गेट इट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स और इस पूरे का कितना आ रहा है होल आ रहा है राइट right? तो बस यही करना है यार इसमें और कुछ नहीं है सॉरी ये, ये आ रहा है कॉस ऑफ क्यूब एक्स की पावर कितना आ रही है बेटा टू आ रही है ये आ रही है सो इफ यू हैव दिस तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट विल बी योर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जब भी हमें ऐसी टर्म्स नजर आती हैं तो हमने पढ़ाया हम हाइएस्ट पावर ऑफ कॉस से हमेशा डिवाइड करते हैं सो वट आई गेट इट आई गेट इट देखो ना हाइएस्ट पावर या कॉस क्यूब को कॉमन ले लेते हैं ना बेटर है दिस इज साइंस एक्स इन टू दिस इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज कॉस रेस टू द पावर सिक्स एक्स दिस इज वन प्लस टेन ऑफ क्यूब एक्स का होल स्क्वायर में डी आ जाएगा ये आ जाएगा सो वॉट विल गेट इट हियर इज इंटीग्रल ऑफ अब देखो एक तो इसके साथ फिट हो गया दिस इज टेन स्क्वायर एक्स एक से ये कैंसिल आउट होके एक ये बच जाएगा बस आई होप आपको समझ में आ रहा है दिस विल बी वन प्लस टेन क्यूब एक्स दिस इज वन प्लस टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वा आ गया आपके पास और ये आ गया तो अब आप देखो दिख रहा है यार टेन का डेरिवेटिव ऊपर है पर बेटर है टेन को नहीं आप सीधा का सीधा वन प्लस टेन क्यूब एक्स को ही पुट कर दो ना क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है थ्री टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सी स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये देखो ये ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट है तो यार ये तो आंसर ही आ गया दिस इज आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटीग्रल डी टी अपन टी स्क्वेयर विच इज माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इंटू वन बाई टी प्लस सी ये आंसर हो जाएगा राइट right?

पावर टू बाई थ्री एक्स राइट तो अब आप ही बताओ वट इज एम फोर बाई थ्री वट इज एन दिस इज टू बाई थ्री विद माइनस साइन दिख रहा है ना तो वट इज योर एम प्लस एन विच इज माइनस फोर बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री आंसर इज वॉट माइनस टू अगेन देखो निगेटिव इवेनिटी जर आ गया तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन बेस्ड आ रहे हैं सिर्फ एक दो ही फंडो के ऊपर तो यार ये तो अब आप कर ही सकते हैं जस्ट यू हैव टू पुट टेन एक्स टू टी और कॉट एक्स टू टी

एक्सक्वेर माइनस वन इज इक्वल टू टी राइट तो यहां से कितना आ जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो हाउ दिस आई इज रिड्यूसेज टू हाफ ये हाफ बेटा इसकी वजह से आ रहा है सो दिस विल बी रूट ऑफ टू साइन टी माइनस साइन ऑफ टू टी डिड बाई दिस विल बी टू साइन ऑफ टी प्लस इंटू मे डी टी

रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हम मॉड एक्स लिखे नहीं उतना ज़्यादा नहीं जाना इट्स अ जेई मीनस का पेपर है तो देखो डायरेक्टली नजर भी आ रहा है आपको सो दिस आई हियर इज दिस इज हाफ ऑफ टेन ऑफ टी बाई टू का इंटीग्रल इंटू में डी टी ए आ जाएगा एंड वी नो दैट वाट इज द इंटीग्रल फॉर दैट दिस इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी बाई टू इंटू में वन अपॉन वन बाई टू अब वन बाईन टू क्यों आया देखो ये फिर वही वही मॉडिफाइड फॉर्मूला है दिस इज टी बाई टू है तो हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा दिस इज प्लस सी राइट right? तो so, यहाँ पे देखो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा राइट सो यू विल गेट योर आंसर यहाँ से आंसर आ जाएगा और टी की जगह आपने सिंपली फिर फाइनली क्या रिप्लेस करना है बेटा ये रिप्लेस टी इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज एक्स स्क्वेर माइनस वन ये रिप्लेस करना है ये राइट सो आई होप दिस टाइप इज ऑल्सो क्लियर तो देखो सिंपल सब्सिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या इरेशनल के क्वेश्चन आ रहे हैं वही हमने दो तीन टाइप्स देखी है तो जो टाइप्स मैंने आपको इनिशियली बेसिक टाइप कराई है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखो उन्हीं टाइप्स के ऊपर आए हुए हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन है अगेन देखो अभी कराया ना इस टाइप का क्वेश्चन ये फाइव बी एक्स क्यूब भी नजर आ रहा है राइट right? तो क्या करें बेटा यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं दिस इज एक्स क्यूब ई रेस टू दी पावर माइनस फोर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स ये आ गया अब हम पुट कर देते हैं किसको को एक्स क्यूब इक्व टू थ्री तो थ्री एक्स स्क्वायेर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा so e right? ये डी टी आ जाएगा सो दिस इंटीग्रल रिड्यूसिस टू टी इंटू ई रेस टू दावर माइनस फोर टी इंटू में डी टी राइट एंड दिस इज वन बाई थ्री इज आउट ये आएगा

दिस इज अगेन द क्वेश्चन केम इन ट्वेंटी ट्वेंटी इसी साल आया है आई होप आपने ट्राई किया ही होगा काफी लोगों ने सो so, देखो यार ये कॉस् को ऊपर लेके जाओ दिस इज सी कैन स्क्वायेर थीटा इंटू डी थीटा सिंपल क्वेश्चन है सब्सिट्यूशन का दिस इज टेन ऑफ टू थीटा प्लस दिस इज सेक ऑफ टू थीटा ये आ रहा है अब बेटा आप बताओ सी कैंड स्क्वायेर थीटा और टेन टू थीटा सेक टू थीटा आपस में रिलेटेड है ऑफकोर्स हैं कैसे यू हैव टू राइट इट लाइक दिस दिस इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा

और थोड़ा सा कर लेते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा थीटा डिवाइडेड देखो राइट uh, right? अब तो ही रहा है बेटा अब हम इसमें क्या करें सिंपली पुट कर देते हैं किसको टेन ऑफ थीटावल टू टी सो इंटीग्रल टू वन माइनस टी स्क्र इंटू डी टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर एंड दिस आल्सो कैन बी रिटर्न माइनस टी अपन टी इंटू डी टी तो यार ये तो अब आप कर ही सकते हैं ना यू हैव टू एक्सप्रेस या एक्सप्रेस क्या करना दिख ही रहा है ये तो एक्सप्रेस क्या कर रहे हो ओरल सा स्टेप है यार यू राइट यू टेक माइनस कॉमन दिस इज टी प्लस वन एंड माइनस टू अपॉन टी प्लस वन इसके अबाउट स्प्लिट कर दो सो दिस इज माइनस टी प्लस टू अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रल टू डी टी राइट इंटीग्रेट कर ही सकते हैं yeah. तो अगर टू थाउजेंड से आया, है. तो, आया है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए ये देखो ये सिंपल ही क्वेश्चन है अब देखो दिख रहा है, हिंट आ रहा है अगर रूट नजर आ रहा है तो आपको परफेक्ट स्क्वेर बनाना है. और परफेक्ट स्क्वेयर यहां से अंदर से दिख रहा है देखो कैसे टू प्लस अब देखो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा वेन यू मल्टीप्लाई दीज टू सो यू विल राइट इट लाइक दिस इज वन प्लस वन प्लस दिस इज टू दिस इज टू कॉट एक्स प्लस टू कॉट एक्स इन टू एक्स ये आ जाएगा इंटू में डी एक्स अब देखो यहां पर यह थोड़ा सा कैच है जस्ट टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर मैं इस टू कॉट एक्स को ब्रेक कर लेता हूं दिस cot square स्क्वायर एक्स प्लस square x प्लस टू cot एक्स into cosec एक्स देखो ये ब्रेक कर दिया हमने राइट right? और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं देखो दिस इज इंटीग्रल रूट ऑफ दिस इज x plus प्लस square x प्लस टू cot एक्स into cosec एक्स ये राइट right? और ये तो फील आई गई भाई ये क्या बन गया दिस इज cosec x plus cot x का होल स्क्वायर और इसका भी रूट इंटू में कितना डीएक्स आ गया सो वॉट योर आई हियर इज दैट आई हियर इज दिस इज कॉस एक्स प्लस क्वाटेक्स का इंटीग्रल इंटू में डीएक्स ये तो यार अब आप कर ही सकते हैं दिस इज सिंपल फार्मूला ये तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है राइट right? खत्म नहीं हुआ है मतलब जस्ट जो जस्ट इंटीग्रेट कर लीजिएगा इंटीग्रेट करना है बस अब आपको राइट सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आप देखो मोरलाइस जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको दो मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा किसी भी इंटीग्रल के क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा सोच ले अब मेजारिटी ऑफ द टाइप क्या है या तो हमने बाई बाईपार्स देखा है या सिंपल सब्सटीट्यूशन देखा है या इर देखा है और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो हमने किससे सोल्व कर दिए डेरिवेटिव बोथ द साइड तो देखो ना इन सब के अंदर हमने डेरिवेटिव नहीं लगाया क्यों क्योंकि इसमें तो हमें इंटीग्रल निकालना ही पड़ेगा ना इसमें एबीसी नहीं पूछा हुआ इज इट फाइन ये है हमारे पास सी दिस इज द अनदर थिंग अब आप ही देख लो यार ये ओरल सा क्वेश्चन है कौन मुझे इसका आंसर देगा अभी बताया था ना मैंने आपको वॉट आई हैव रिटर्न दिस इज आई एन प्लस आई ऑफ एन प्लस टू इज वॉट टेन रेज टू द पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन ये था तो कितने लोगों को इसका आंसर नज़र आ रहा है भाई इट्स आंसर इज नथिंग बट टेन रेज टू द नाइन एक्स अपॉन नाइन फ्रॉम जीरो से पाई बाय फोर आंसर इज वॉट वन बाय नाइन ये देखो ये पहले का आंसर आ गया राइट right? अब दूसरे वाले का आंसर आप कैसे करोगे विच इज सिंपल लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी दिस इज एन इंटू इज दिस इन दोनों का मिडिल टर्म क्या नजर आ रहा है आई एन आई एन प्लस टू का आई एन प्लस इन टू टेन ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स फ्रॉम जीरो से कहां तक पाई बाई फोर तक देखो ये नजर आ रहा है तो अगर ये नजर आ रहा है तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन एंड हुज लिमिटिंग वैल्यू इज हुट वन So, देखो यार ये जो मैंने एक आपको एक फॉर्मूला बताया था ना ये 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 पर्टिकुलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये ये में कभी पहले आया था इसी फॉर्मुलेट अवर टूडे राइट सो आई होप आपको कुछ क्लास में क्लियरिटी आई होगी नो डाउट थोड़ी सी क्लास की पेस थोड़ी फास्ट थी बट आई uh, होप मैंने एक बार आपको सारी टाइप्स को एक बार uh, रिवाइज करा दिए कर है सारी टाइप्स हमने रिवाइज़ कर लिए हैं प्लस जेई मीन्स में आए हुए काफ़ी क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं राइट सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन थैंक यू वेरी मच राइट